सो <coughs> so here वी आर वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ लाइव सेशन मैं हाजिर हूं आपके सामने लाइव आपको पढ़ाने दोस्तों जल्दी जल्दी से आ जाइए जुड़ जाइए इस लाइव सेशन को कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए बिल्कुल इट्स बेटर लेट देन नेवर सो दोस्तों यही हमारे साथ हो रहा है कि थोड़ा सा मैंने आपको इंतजार जरूर करवाया लेकिन मैं आपके सामने अब आप आया हूं तो आपको इस इंतजार का फायदा होगा हमारे साथ लाइव जुड़ने का फायदा होगा बहुत सारा हमें अभी मटेरियल है जिसे कवर करना है बहुत प्यारी प्यारी बातें मुझे आपको बतानी बहुत काम की बात है आपके साथ शेयर करनी है सो so, जल्दी से आ जाइए मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का और अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है वीडियो सही से नजर आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का ग्लिच नहीं है सो so, प्लीज मुझे बताएं थम्सअप और वीडियो को अभी इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता दो कि सब कुछ सही है कि नहीं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए लाइक कीजिए वीडियो को और ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ जुड़ चुका हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम सो मैं देख पा रहा हूं अभी बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं कुछ हां जी क्लास टेंथ वाले आप भी आ जाओ ट्वेल्थ वालों आप भी आ जाओ टेंथ वाले स्टूडेंट आप भी जुड़ जाइए ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट आप भी जुड़ जाइए और इलेवंथ वाले आप भी जुड़ जाइए आप सभी के लिए मेरे पिटारे में कुछ ना कुछ है सो so, मैं आप सबके सामने कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ आपके काम की बात करने वाला हूँ लास्ट वीडियो में आपने देखा था दोस्तों मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे क्या कहा था इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपके 20% मार्क्स बढ़ जाएंगे तो वही चीज़ आज अप्लाई कर रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए आपके 20% मार्क्स मुझे बढ़ाने ही बढ़ाने और इसी फिक्र में इसी चक्कर में मैं लगा हुआ हूं और पूरे जोश के साथ लगा हुआ हूं आप सभी के साथ सो so, जल्दी से आ जाइए इस लाइव सेशन को लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आप आ चुके हैं ताकि हम स्टार्ट करें अपने सभी साथियों को जल्दी जल्दी से बुला लो सो so, मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे धीरे धीरे से जुड़ रहे हैं यस yes, जल्दी से आ जाइए ओके सो दोस्तों कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन पहले तो मुझे आप लोग बताओ कमेंट करके बताओ कैसी चल रही है प्रिपरेशन डर लग रहा है नर्वस हो मजा आ रहा है क्या हालात हैं आपके आप मुझे जल्दी से बताओ मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं बच्चे बड़े काफी तेजी से कमेंट ऊपर जा रहे हैं लेकिन फिर भी मैं हाय हाय हेलो जो भी कह रहे हैं आप सभी को हेलो हाउ हाव यू मैं बहुत अच्छा हूं आप लोगों के साथ आते ही मैं बहुत अच्छा हो जाता हूँ हम्म 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 क्लास नाइन्थ के बारे में नाइन्थ के टॉपिक्स बने हुए हैं टॉपिक नेम लिखो बाय डियर से लिख के सर्च करो यूट्यूब पर नर्वस है बच्चे कह रहे हैं नर्वस है अरे नर्वस अरे वाई फियर डियर सर इज़ हियर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है डरने की बात नहीं है दोस्तों आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ ठीक है चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं सो so, मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आपका एग्ज़ाम आता है आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपके सामने आके हाज़िर हो जाते हैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेके उसी के लिए आपके लिए मेहनत चल रही है तो पहले बता देना चाहता हूं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है जो बात वो बता देना चाहता हूँ ख़ासतौर से टेंथ वालो ट्वेल्थ वालो आप तो ध्यान से सुनो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से कुछ वीडियोज़ बना रखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रखी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत अच्छी च्चीज़ अच्छी मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है आपका टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने कवर करा रखा है आप इधर प्ले में जाओगे ना हमारे चैनल पर हमारे चैनल की प्ले में इस तरह से जाना इस तरह से आप चैनल पे चले गए तो आपको यहां पे प्लेलिस्ट नजर आएगी क्या नजर आएगी प्लेलिस्ट नजर आएगी ये रहा प्लेलिस्ट का ऑप्शन ये होता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन और ये रही प्लेलिस्ट तो क्लास ट्वेल्थ के लिए इंग्लिश के चैप्टर्स यानी इंग्लिश की पोएम्स इस जगह पे आपको मिल जाएंगी तो अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो यहां पे सारी वीडियो आ जाती है ये रही आपकी सारी वीडियो इस तरह से तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपकी पोएम नंबर अच्छा पहले मैं प्लेलिस्ट लिस्ट ही खोल देता हूँ ये प्ले हो गई मैं प्लेलिस्ट को ओपन कर देता हूँ ताकि आपको आराम से नज़र आ जाए दोबारा से जाते हैं डियर सर हमारी ये रही प्ले तो क्लास ट्वेल्थ की प्ले ये रही मेरी व्यू फुल प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट गया मैं और ये रही हमारी प्ले है हाँ जी यही है ना जी हाँ जी यही हमारी प्ले ये प्ले ऑल का ऑप्शन दे रहा है <laughs> स्किप एड्स अभी मैं इसको कट करता हूँ अरे प्लेलिस्ट में में एक सेकेंड मैंने गलत खोल ली क्या कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है ये वाली प्लेलिस्ट नहीं है क्या गलत वाली खोल ली क्या बैक करते हैं दोबारा देख लेते हैं कोई ऐसी बात नहीं है क्लास इलेवेंथ इंग्लिश क्लास इंग्लिश चलो पहले टेंथ के चैप्टर की प्ले लिस्ट है ना हमारे पास ठीक है अच्छा इसमें ये वाली प्ले लिस्ट नहीं है टेंथ की बनी हुई है पहले वेट 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 अरे भाई आप कहाँ से प्ले हो गए सर आप अभी रुके हमें फ्यू फुल प्ले लिस्ट देखने लें Playlist अलग से बनी हुई है क्या इनकी बच्चों के लिए इसमें अपडेट नहीं है चैप्टर्स एनी वे एनी वे दोस्तों एक काम करेंगे अभी हम लोगों के लिए ना हम लोगों ने अभी टीम से मैं बोल देता हूं अभी आप लोगों के लिए टेंथ क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी एक्चुअली मैंने आपके लिए ना वीडियोस बना रखी हैं जैसे डियर सर लिख के आप क्लास टेन चैप्टर्स लिखोगे किसी भी चैप्टर का नाम लिख दोगे फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर है ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं हम ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया तो ये ऐसे आ जाएगा तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी ये रही आपकी वीडियो सामने तो इस तरह से ना फर्स्ट स्लाइड जैसा आपका एक चैप्टर है ये तो खैर मैंने पूरी बुक की रिविजन करा रखी है फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर है उसकी मिल जाएंगी तो इस तरह से आपको ना सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट मैंने कवर करा रखे हैं क्लास टेंथ के क्लास टेंथ के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लाइट के तो सारे कवर हैं प्रपोजल की वीडियो बनी हुई है एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी तो टेंथ क्लास वालों आपको प्रिपरेशन करनी है लिटरेचर की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपके फर्स्ट फ्लाइट के तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर करा रखे हैं मैंने फर्स्ट फ्लाइट बुक के तो करना क्या डियर सर इंग्लिश जॉन सर भी आपको चैप्टर चाहिए ना जो सर जो भी चैप्टर आपको चाहिए यहां मैं कोई और से चैप्टर लिख सकता हूँ डियर सर कोई भी चैप्टर का नाम लिख दो आप जिसको भी आपको चाहिए जैसे डियर सर एन ए फ्रेंक एन एफ फ्रेंक है ना डायरी ऑफ एन ए फ्रेंक तो एन 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 ए ए फ्रैंक डियर सर फ्रैंक तो आपको उसका वीडियो वीडियो मिल जाएगा सो so, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि सर चैप्टर्स बना दो चैप्टर चाप्ट, ऑलमोस्ट मैंने बना रखे जाके देखो अच्छे इसकी प्लेलिस्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है मुझे लग रहा था कि हम लोगों ने बना रखी है अभी अलग से टेंथ क्लास की प्ले अलग से बन जाएगी जिसमें लिटरेचर के चैप्टर्स और उनकी पोएम्स पोएम्स भी कवर्ड हुई हुई है आपकी तो पोएम्स भी मिल जाएंगी ठीक है भाई प्ले वगैरह बनवा देना बच्चों के लिए अलग से ठीक है डन ऐसे ट्वेल्थ क्लास वालों आप लोगों के लिए ना पोएम्स मैंने सारी करवा रखी है पोएम्स में आपको प्रॉब्लम रहता है सर पोइटिक डिवाइस समझा दो पोइटिक डिवाइस कैसे आएंगे पोएम्स को समझा दो पोएम्स समझ में नहीं आ रही है तो वो भी मैंने आपके लिए करवा रखा है तो आप वो भी देख सकते हो आराम से बस आपको करना क्या है आपको करना ये है करना ये है कि आपको पोएम बाय क्लास ट्वेल्थ पोएम लिख दो वैसे तो प्ले बना दूंगा मैं आपके लिए डोंट वरी अबाउट इट और मे बी ट्वेल्थ क्लास की प्ले बनी हो अभी मेरी नज़र से निकल रही हो बाय डियर सर क्लास ट्वेल्थ पोएम बाय डियर सर ऐसे आ गया ना ठीक है अरे एडमिशन हम तो नहीं दे रहे कहीं कि किसी को एडमिशन अच्छा जी आ गए रे क्लास ट्वेल्थ बाय डियर सर अच्छा पोएम नहीं लिखा था मैंने आज ना आप भी बोल लोगे कि सर आज आप लिख कुछ रहे हो सर्च कुछ और हो रहा है पोएम कोई नहीं इट हैपन्स समटाइम्स आ गए क्लास ट्वेल्थ पोएम और ये आपकी पोएम्स आ जाती हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी आ गया आंट ऑफ जन आंट ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम आ गई बड़ी प्यारी पोएम है ये ये हमने देख ली थी और और कौन सी पोएम्स है भाई कस्टर्ड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वो वाली भी है तो आपको ना ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स की सभी पोएम्स की तो एटलीस्ट इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगी हमने बना रखी है आप लोगों के लिए ट्वेल्थ वालों और ट्वेल्थ वालों आपको आपके लिए भी लाइव सेशन मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से आपके लिए भी तैयारी शुरू हो जाएगी सो so, आप भी स्टे कनेक्टेड यू नीड टू जस्ट स्टे कनेक्टेड आप भी साथ रहें ताकि अच्छा ताकि आपके लिए भी हम बहुत अच्छी अच्छी सी आ, आपकी प्रिपरेशन करा दे ठीक है तो ये तो और ट्वेल्थ क्लास की बात थी कि आप लोगों ऑलरेडी जो कंटेंट बना रखा है वो अवेलेबल है हमारे चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट अपडेट करवा देता हूं मैं प्लेलिस्ट लिस्ट आपके लिए अपडेट हो जाएगी तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी फिलहाल तो ये प्ले लिस्ट यहाँ पे मुझे दिख रही है जैसे ये प्ले लिस्ट है ना क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के चैप्टर्स की तो इसी में सारी चीज़ें हम डाल देंगे ऐसे क्लास टेन्थ्लिश के चैप्टर्स इसी में अपडेट करवा देंगे सारा ठीक है ये फुल समरी अच्छा इसमें अच्छा अलग अलग हुए हैं ओके नो no प्रॉब्लम इनको एक जगह डलवा देंगे इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को ठीक है एक जगह डल जाएगी आपको दिक्कत नहीं होगी बाकी YouTube पे आप सर्च कर सकते हो राइटिंग पोर्शन लेटर राइटिंग हो गया आपका नोटिस राइटिंग हो गया पोस्टर मेकिंग हो गया ये सारी चीज आपके लिए बनी हुई है रिपोर्ट राइटिंग हो गया एस राइटिंग हो गया ये सब की मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है बस सर्च करना है ऊपर यहाँ पे सर्च बार में लिख देना है एस बाय डियर सर ऐसे करके एस बाय और डियर सर ये आ गया ये रहा और ये रही ऐसे राइटिंग की पहले से बना दी थी मैंने आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी वीडियो छोटी सी वीडियो है बीस मिनट के अंदर आपको तरीके पता चल जाएंगे बाकी टेंथ और ट्वेल्थ वालों आप भी सुनो इलेवंथ वालों आप भी सुनो नाइन्थ वाले आप भी सुनो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ आपको कैसे राइटिंग पोर्शन के अंदर कीवर्ड्स यूज़ करने वो कीवर्ड्स की एक सेपरेट वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी साथ ही साथ लिटरेचर के अंदर चैप्टर वाइज जो आपके की होने वाले हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी भी रिविजन क्लास कराऊंगा तो प्लीज स्टे कनेक्टेड बेफिक्र रहो फिलहाल जो चीज मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनवा रखी है ना जो आपको बना के दे रखी है उनकी प्रैक्टिस करते रहो और चेक करते रहो कि कब कौन सी न्यू वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है ठीक है चलो आज बात करते हैं क्लास इलेवंथ आप लोगों की क्लास इलेवंथ वाले मुझसे बहुत कह रहे थे कि सर आप हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो हम क्या करें हमारी गलती थोड़ी है कि हमारा ट्वेल्थ बोर्ड नहीं है हमारी गलती थोड़ी है कि हमारा टेंथ बोर्ड नहीं है तो आपके लिए मैं हाजिर हो चुका हूं सो so, दोस्तों हमारा तो दो काम है बस आप लोग की हेल्प करना और ऐसी हेल्प करना कि आपके मार्क्स बढ़े कुल मिला के मार्क्स बढ़े शॉर्टकट के साथ ट्रिक्स के साथ सो so, अभी बात हो रही है क्लास इलेवंथ की क्लास इलेवंथ की दो बुक है आपकी एक तो है आपकी हॉर्न हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट है ना देखो ऑनेस्टली दोस्तों आप लोगों के लिए ना मैंने बता रखा था कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक वीडियो बना रखी है जो आपने देखी भी होगी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें ऐसे लिख के सर्च करना वीडियो मिल जाएगी आपको तो एक बुक ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना रखी है ये रही मैं एक वीडियो बना रखी है मैं आपको दिखा भी देता हूँ <coughs> सॉरी <coughs> चलो मैं यहीं से डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ ये रही वीडियोस इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए <laughs> कहा गई भाई वीडियो कहां, कहां गई कहां गई कहां गई ये रही इंग्लिश की तैयारी कैसे करें ये वाली वीडियो थी इसमें मैंने आपको बता रखा था कैसे इलेवंथ के कौन सी बुक के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा ये रही वीडियो सो so, इसके अंदर मैंने आपको तरीके से बता रखा था तो पहली बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि सर ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है यहां से आपको इन चैप्टर्स को पहले पक्का करना है ये ना देखो सेक्शन ए के बारे में बात हो रही है अभी फिलहाल तो सेक्शन बी सी की बात हो रही है और यहां पर आगे आके ना मैं आपको बता देता हूं ये आपको दिख जाएगा ये रहा तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की चिंता नहीं कर रहा था मुझे आपकी फिक्र शुरू से थी वालों आपको लगा कि सर आपको हमारी परवाह नहीं है जबकि मुझे आपकी बहुत परवाह है है ठीक अरे अरे चला चला गया भाई? कहां चला गया भाई भाई ये रहे भाई क्लास 11, ये देखो हॉर्नबिल के मैंने आपको बता रखे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी डिस्कवरिंग टोट सिल्क रोड ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था सो so, अगर आपको कोई भी डाउट था कि भाई सर कौन से चैप्टर से शुरू करें तो ये रहे आपके चैप्टर्स ठीक है तो मैंने ये वीडियो बना रखी एक बार जिसने नहीं देखी वो देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्लास इलेवंथ के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ओके चलो ये तो थी चैप्टर्स की बात अब बात कर लेते हैं हम अब बात कर लेते हैं हम आज की आज हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले तो मैं आपको हॉर्न बिल की प्रैक्टिस करा देता हूं कि हॉर्न बिल के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके हॉर्न बिल के जितने भी आपके मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर्स हैं आज मैं उसकी आपको रिवीजन करा देता हूं हाँ भाई सिलेक्ट हो गया आज इस हॉर्न बिल की तैयारी करते हैं हम हॉर्न बिल के भाई इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और मैं देखो ईमानदारी से बात करूं हॉर्न बिल के चैप्टर ना बड़े मजेदार चैप्टर हैं पहले आपको मज़ेदार नहीं लग रहे थे बट अब लगेंगे टेंथ के चैप्टर्स अपने आप में मज़ेदार हैं ट्वेल्थ के चैप्टर्स अपने आप में मज़ेदार और इलेवंथ के चैप्टर जिन्हें लोग बोलते हैं कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है कुछ नहीं आज मेरे साथ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा आप भी कहोगे कि सर इलेवंथ के चैप्टर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इलेवंथ के इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स हम आज करने वाले बड़ हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में ठीक है जो आपके एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे अच्छा बच्चों जिसने भी ये लाइव सेशन लाइक नहीं किया है अभी के अभी जल्दी से लाइक करो अपना प्यार दिखाओ कि मैं आपके लिए आके खड़ा हुआ हूं तो मुझे लगे कि हाँ आपको मजा आ रहा है आप मेरे साथ जुड़े हुए हो ठीक है सर ग्रामर ग्रामर के भी अलग से लाइव से सेशन होगा अच्छा सुनो 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 दुनिया के लोगों सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो जी जी ंगी जी ये प्लस ठीक है भाई आपके लिए ना इलेवेंथ वालों पहले आप शेड्यूल सुन लो किस किस का कैसे लाइव सेशन में किस तरह से लूंगा हॉर्नबिल का आपका आज लाइव सेशन करके हॉर्नबिल का खत्म करवा देता हूं आज करवा दू, करवा दू खत्म जल्दी से बताओ कमेंट करके करवा दू स्नैपशॉट है आपकी एक बुक एक हो गया आपका राइटिंग सेक्शन और जिसे हम ग्रामर सेक्शन भी आप लोग बोलते हो राइटिंग एंड ग्रामर ठीक है सो so, थ वालों ये तो आपका आपकी कार्यवाही हो रही है वालों तुम तो टेंशन लो ही मत तुम्हारा बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा इंग्लिश का बोर्ड बहुत अच्छा जाना है, है ट्वेंटी और मैं सिर्फ और सिर्फ कम वीडियोस में भी ना इतना ज्यादा आपको कॉन्टेंट देके जाऊंगा इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताऊंगा आपके एग्जाम में फायदा होगा आप मार्क्स लेके आओगे फेल तो भूल ही जाओ फेल की तो टेंशन ही खत्म कर दो ठीक है अभी इलेवंथ वालो आप सुनो पहले हॉर्न बिल का मैं सोच रहा हूँ आज हॉर्न बिल खत्म करा देते हैं आज आपकी सारी हॉर्न बिल खत्म करा देते हैं एकदम फिनिश करते हैं हॉर्न बिल को फिर आपकी स्नैपशॉट खत्म करा देंगे एक लाइव सेशन के अंदर ये खत्म करते हैं फिर आपकी एक दिन राइटिंग एंड ग्रामर करा देंगे अगर कुछ भी डाउट बचा मुझे लगा बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक, एक एक्स्ट्रा लाइव सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन ले, ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं मोस्टली बच्चों का इलेवंथ का एग्जाम कब है जरा कमेंट करके बताओ मोस्टली इलेवंथ क्लास के बच्चों का एग्जाम कब है सारे कमेंट करो सारे कमेंट करो इलेवंथ वालों इलेवंथ का कब है मुझे बताओ उस हिसाब से फिर मैं डाउट सेशन रखूंगा ठीक है जी और टेंथ और ट्वेल्थ वालों आपकी भी एक एक बार में टेंथ एंड ट्वेल्थ आपकी भी ना जितने चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं पहले तो उनकी जाके वीडियोस जल्दी से देख लो आपके चैप्टर्स कंप्लीट है पोएम्स तो सबकी कंप्लीट है टेंथ क्लास की पोइम मैंने करा रखी है ट्वेल्थ की भी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई है हमारे चैनल पे है प्ले में अपडेट करा देता हूं उसका भी लिंक कम्युनिटी पे मिल जाएगा तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपके बचते हैं चैप्टर्स जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो और राइटिंग इन ग्रामर वो मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज बना के खत्म करवा दूंगा डोंट वरी रिविजन करेंगे साथ में ठीक है उसका प्रॉब्लम नहीं है चलो आज मैं हॉर्नबिल बिल खत्म करवाने वालों इलेवेंथ क्लास वालों तो शुरू करते हैं बहुत हो गई बातें अब करते हैं इंपॉर्टेंट थी यार ये चीजें भी मैं अगर आपके साथ ये शेयर ना करता तो आपको पता ना चलता ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको बताना समझाना कि आपके साथ हो क्या रहा है कैसे हम तैयारी करेंगे एक रोड मैप आपको मिल गया ना सो नाउ यू कैन फील लाइक या यू कैन फील लाइक a सर या ना आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि आप हमारे साथ हो आप कहीं भाग नहीं रहो चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ आके खड़ा हूंगा मैं यहाँ आकर खड़ा हूँ और आपको पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपके काम आएगा सो तो उस चीज को टेंशन खत्म करते हैं चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बहुत बढ़िया बात है भाई दस हजार व्यूज हो गए हमारे इस लाइव सेशन पे वेरी गुड जल्दी से अच्छा आप लोग लाइक भी बहुत कर रहे हो बड़ा अच्छा लगता है बता खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हो हमारी मेहनत को ना ऐसा लगता है कि मेहनत वसूल हो रही है अगर मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ चलो इलेवंथ वालों शुरू करते हैं हॉन बिल के चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं मेनली सर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करा दो डिस्कवरी करा दो वी आर अफ्रेड टू डाई करा दो द सिल्क करा दो सिल्क रोड द एडवेंचर करा दो है ना और कौन सा रह गया और कौन सा रह गया <laughs> और कौन सा रह गया अरे कोई सा नहीं रहेगा आज ये सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे जो भी आपके सिलेबस में आ रहे हैं अरे कॉमेंट में इलेवंथ क्लास के लिए सेवनटीन्थ को ही है ना इलेवंथ वालो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो सेवनटीन फैब मान के चल रहा हूँ कि एलेवंथ क्लास का इंग्लिश का पेपर होने वाला है और उसी हिसाब से मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ सेवनटीन से पहले तो नहीं है ना पंद्रह पंद्रह भी कह रहे हैं कुछ चलो पंद्रह से पहले करा देंगे खत्म करते हैं पंद्रह से पहले पंद्रह से पहले कराते हैं ठीक है चलो आप शुरू करते हैं सबसे पहले द सिल्क रोड चैप्टर है मैं उसका मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूं चैप्टर क्या है आपको ना चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट करें आर यू रेडी जल्दी से मुझे थम्सअप भेजो जल्दी से थम्सअप बोलो भेजो कि स्टार्ट करूं कि नहीं फ़ौरन क्या पता आप लोग किसी और काम में बिजी हो और मैं स्टार्ट कर दूं फिर वो सर मेरे को तो पता नहीं चला आपने स्टार्ट भी कर दिया सो so, जल्दी से मैं थोड़ा पानी पीता हूं उसके बाद शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से हमारे चैप्टर्स थर्टींथ फैब को टेंथ फैब को टेंथ तो भाई कल थी कल पेपर हो चुका क्या तुम लोगों का इलेवंथ वालों देखो मजाक मत करो यहां पे भाई मजाक मत करो बच्चों के पेपर है पेपर में मजाक सिर्फ मैं कर सकता हूं चलो स्टार्ट करते हैं चलो भाई स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू करो लेके प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम लेकिन हमें पास होने के लिए कुछ करना है काम चलो चलो शुरू करते हैं सिल्क रोड चैप्टर है भाई सिल्क रोड सिल्क रोड क्या है ये चैप्टर है बहुत प्यारा सा चैप्टर है इसके अंदर एक जो हमारा राइटर है वो हमें बताता है हमें बताता है कि वो ना वो ना माउंट क्या कहते हैं कैलाश पर्वत पे जो जाते हैं ना लोग वो इसी तरीके से ना एक 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 हिंदू रिचुअल्स होते हैं बौद्ध रिचुअल्स होती है कोरा कोरा एक उसकी यात्रा पर जाते हैं किस पे जाते यात्रा पे जाते है? एक धार्मिक यात्रा पे ऐसे मान लो ना एक धार्मिक यात्रा पे जाता है हमारा राइटर और वो यात्रा कहां हो? होती है वो वो होती उधर आपके तिब्बतन साइड की तरफ अब तिब्बत तिब्बत का कैसा इलाका होता है बहुत ज्यादा बर्फ होती है उबड़ खाबड़ पहाड़ वगैरह इस तरह का इलाका होता है तो वो वहां जा रहा होता है रास्ते में उसको क्या क्या स्नोफॉल मिलता है वहां पे और चीजों को उसको सामना करना पड़ता है उसको उसकी सांस रुकने लगती है ऊपर जाके जितना भी आप जमीन से ऊपर जाओगे ना सी लेवल से ऊपर जाओगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी भाई मैं कहीं जाता ही नहीं इसलिए आप ले लद्दाख चले जाओ वहाँ आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगेगा वहाँ आपको बहुत अजीब सा फील होने लगेगा आपका सर ऐसे ही हो जाएगा आपका दिल खराब हो जाएगा सो so, जितने भी हम नॉर्थ इंडियंस हैं ना ये जो हम क्या कहते हैं दिल्ली यूपी वगैरह में रहने वाले लोग हैं हमें आदत नहीं होती इतने ऊपर जाके वहाँ पे पहाड़ों पर सर्वाइव करने की तो वहाँ के लोगों को आदत होती तो वहाँ जाके देखता है कि उबड़ खाबड़ रास्ते हैं बड़ी प्रॉब्लम चीज, की चीज़ें हैं वहाँ पे देखता है कुछ नोमिट्स होते हैं बंजारे होते शेफर्ड होते हैं उनको देखता है कि वो वहाँ पे कैसे रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें करता है ठीक है So, वही वो, वो अपनी यात्रा के बारे में बता रहा होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम को उसने सामना किया वही इस चैप्टर के अंदर है सिल्क रोड में वो पढ़ते हैं द रोड इज अ स्टोरी अबाउट द ऑथर निक मिडल्टन जर्नी टू माउंट कैलाश तो माउंट कैलाश कैलाश पर्वत है ना कैलाश पर्वत काफी सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं जो हिंदू लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं बाकी जो बौद्ध लोग होते हैं ना बुद्ध धर्म के होते हैं वो भी कैलाश पर्वत की उनके मन में भी बड़ी मा, मान्यता होती है बड़ी आस्था होती है बड़ी फेथ है किसके लिए कैलाश पर्वत तो इसके अंदर जल्दी से बताओ मेरा की क्या हुआ मेरा की हुआ यहाँ पे कैलाश ये जो है ना माउंट कैलाश ये मेरा सबसे बड़ा कीवर्ड है इस चैप्टर के लिए कि यात्रा कहाँ की की जा रही है कौन कर रहा है ऑथर है हमारा निक मिडल टर्स जर्नी है कहा की माउंट कैलाश की थ्रू तिब्बत तिब्बत के रास्ते वो जा रहे होते हैं ठीक है समझ में आ रहा है इतना इतना क्लियर हुआ वेरी गुड बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं द ऑथर वॉन्ट्स टू गो टू माउंट कैलाश टू फिनिश हिज कोरा मैंने आपको पहले बताया भाई भाई वो एक कोरा जो एक यात्रा होती एक है एक धार्मिक यात्रा है कोरा क्या है ये मेरा की वर्ड है बच्चों एग्जाम में लिख के आना अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कोरा और यहाँ पे क्या आ गया मेरा क्या आ गया क्या आ गया माउंट कैलाश ठीक है कैलाश पर्वत जी से कहते हैं हम चलो जी तो कोरा की यात्रा करने के लिए वो क्या करना चाहता है माउंट कैलाश जाना चाहता है फिनिश अपनी कोरा करने के लिए वो क्या होती है अ सेक्रेट रिचुअल फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट मैंने आपको बोला ये पहले ही कोरा क्या भाई ये एक ऐसी पवित्र यात्रा है एक ऐसा रिवाज है जो कि हिंदुओं और बुद्धिस्ट में धर्म के न्याय वालों में बहुत मान्यता होती है तो अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में और कुछ भी नहीं आता बिल्कुल बेकार लगता है तो अब सुन लो ना क्या इस चैप्टर के अंदर राइटर है राइटर का नाम ना भी रहा चल जाएगा लेकिन ये याद रखना राइटर क्या करना चाह रहा है माउंट कैलाश जाना चाह रहा है क्या करने क्या करने एक कोरा को, को परफॉर्म करने कोरा क्या होता है ऐसा मान लो जैसे कहते हैं ना वो जैसे मुस्लिम लोग हज पे चले जाते हैं इस तरीके से ऐसे ही हम हरिद्वार चले जाते हैं हरिद्वार में क्या करते हैं अरे क्या होती है भाई हरिद्वार में क्या होती है वो कौन सी यात्रा होती है भूल जाता हूं तीर्थ यात्रा जैसे तीर्थ यात्रा में के लिए निकल जाते हैं ना अरे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ना हिंदी के वर्ड्स ना माइंड से निकल जाते हैं हिंदी याद नहीं रहती तो तीर्थ यात्रा देखो मैं बोल रहा हूँ देखो तीर्थ यात्रा हो गई हज हो गई इस तरीके की जो धार्मिक यात्रा होती है कोरा होती है एक रिवाज होते हैं वो परफॉर्म करने कौन जा रहा है राइटर जा रहा है माउंट कैलाश जाना चाहता है तिब्बत के रास्ते तिब्बत क्या कहा तिब्बत वही चाइना के आसपास पास ना तो चाइनीज इन्फ्लुएंस पूरा है ना तिब्बत की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें ठीक है आगे बढ़ते हैं बिकॉज यू वॉन्टेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन लाइफ अब क्या होता है उसको अपनी वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है क्यों जाना चाह रहा है क्योंकि अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ के अंदर डेवलप करना चाह रहा है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं अब वो ऐसा क्यों कर रहा होगा सोचो वैसे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी वो ऐसा क्यों, क्यों कर रहा होगा भाई तंग आ गया होगा ना अपनी जिंदगी से हो सकता है क्यों भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है उसका ब्रेकअप हो गया कुछ ऐसी बात हुई बेचारा परेशान हो गया उन्होंने कहा छोड़ो यार मैं चला कोरा हो सकता है ऐसा हो ठीक है हमें ये नहीं पता वो क्यों करना चाह रहा था उसके साथ ऐसा क्या हुआ था हमें इतना इतना पता है कि ही टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ हो गया कीवर्ड्स पे मैं मार्क करता जा रहा हूं ध्यान से देखते रहो और इसके ना पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी मुझसे मत मांगना टेलीग्राम ग्रुप में आपको डायरेक्टली मिलेगी बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझसे कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दो बच्चों इंस्टाग्राम पे पीडीएफ सेंड ही नहीं होती मैं कहां से दे दू पहले वो टेक्नोलॉजी तो होने दो चलो आगे बढ़ते फिर क्या होता है आगे बढ़ते फिर क्या होता है रबर लो मिटो दो चलो जी आगे देखते ऑथर टुक डेनियल डेनियल एज हिज कंपेनियन उसका कोई दोस्त होगा उसको कंपेनियन मतलब दोस्त की तरह साथ में लेता अकेले थोड़ी यात्रा कोई करता है कोई यार दोस्त कोई पंटर तो रखना पड़ता है ना वही होता है तो ऑथर क्या करता है डेनियल को ले लेता है क्या मुश्किल लैंग्वेज है आंसर की नहीं आसान है ना चलो आगे बढ़ते हैं दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू राहु एक पहाड़ एक पट्टी या एक जगह का नाम मान लो वो वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यात्रा तो यहां राहु को याद रखना राहु को भी लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों राहु को भी ना याद रख लेना राहू जगह का नाम है दे हैड ड्राइवर नेम सतन हु न्यू अ रूट टू माउंट कैलाश इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन अब ये जो वो क्या करते हैं एक ड्राइवर को हायर कर लेते हैं जिसका नाम सतन होता है ये जो ना इसमें टी साइलेंट होता है लद्दाख के जो लोग होते हैं ना तिब्बत और लद्दाख के लोग उनके नाम ऐसे ही होते हैं सतन ऐसे मैं उन लोगों से काफी मिलता हूं मिला हूं और उनका उनकी उनकी एक अलग लाइफ होता है बड़ा मजा आता है उन लोगों से मिलकर तो दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों अगर आप हो तो अगर आपने कभी गए हो तिब्बत मार्केट गए हो मजनू का टीला गए हो तो वहां आपको इस तरह के लोग मिलेंगे देखो चैप्टर को फील करो इसे स्टोरी मत समझो फील करो वो क्या करना चाह रहा है माउंट कैलाश जाना चाह रहा है क्यों वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाह रहा है अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको उसको किसी लोकल को पकड़ना पड़ेगा ना उसने ड्राइवर रखा ड्राइवर कौन था ड्राइवर उसने सेतन को ले लिया सेतन को ड्राइवर रख लिया कि भाई सेतन भाई सेतन भाई आप मेरे को छोड़ देना अच्छा कोई भाई आ, मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन सतन ही होता है क्या आई आई थिंक ये टी साइलेंट रहता है जहां तक मैंने सुना है तो इन लोगों का ना अपना एक, एक तिब्बती लैंग्वेज का वर्ड है सो so, कोई ऑफेंड मत हो ना मेरे प्यारे दोस्तों इनफैक्ट मुझे बता देना जो भी लद्दाख से है कि भाई वाकई में इसका क्या नाम का प्रोनांसिएशन होता है जहां तक मुझे मैं मैम मुझे लगा है वो शतन ही बोलते हैं लोग ठीक है चलो जी सतन तो एक रूट के लिए माउंट कैलाश का शॉर्टकट उसे पता होता है तो वो उसको हायर कर लेते हैं लहामो लहामो ये भी एक तिब्बतन लेडी है शुरू किया था जनरल दो तीन वर्ड आए हैं ध्यान से देखो दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आए उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड एक तो ये ड्रोकबाज ड्रोकबाज एक वर्ड आया और एक आपका आया है <laughs> ठीक हाँ, है अभी तो फिलहाल ड्रोकबाज आया ना चलो जी तो कौन होते खाना बदोश है खाना बदोश समझ तो बंजारे जिन्हें कहते हैं उन्हें ड्रोकबाज कहा जाता है ड्रोकबाज तो वो क्या किया वहां की लामो लाहमो एक, एक लेडी है रावो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या हो गया नंबर मिलेंगे स्कोर अच्छा करोगे उस उसने ऑथर को क्या दिया एक शीप स्किन कोट दिया जो कि जनरल अटायर है जो कि पहनावा है किसका ड्रोकबास का ड्रोकबास कौन वही जो तिब्बत के आसपास के जो बंजारे होते हैं ना उन्हें मान लो उन्होंने कहा ये आप पहन लो ये आप ले लो अपने अपने पहनावे होते हैं ना किसी की टोपी होती है किसी की के, किसी के यहाँ पेट पे बांधने का होता है कमर पे बांधने वाला किसी के हाथ में पहनने वाला होता है ऐसे ड्रोकबाज ड्रोकबास अच्छा वर्ड है याद रखना ड्रोकबाज किसे कहते हैं जो नोम होते हैं हैं शेफर्ड होते शाह के का आपके तिब्बती इलाकों के ठीक है जब माउंट कैलाश से जाएंगे और रास्ते पर जाएंगे तो वहां पे पढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो जी आगे बढ़ गए हम ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर ऑब्जर्व अब वो शुरू हुआ उनका रास्ता शुरू हुआ उनकी जर्नी शुरू हुई ऑथर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया वाइट फील्ड देखे गिजल्स ईटिंग द ग्रास ठीक है उसके बाद हर्ड ऑफ वाइल्ड एस इज कॉल्ड अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए एक तो यंग ये आया फिर दोबारा से ड्रोकबाज आया चलो जी और और तो ठीक है चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे बताओ समझ में आ रहा है इजी लग रहा है किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है यहां तक मुझे तो लग रहा है कि सबको इजी क्लियर हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी स्टिल किसी को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज मुझे बताओ मैं कॉमेंट पढ़ता हूं आपके नो डाउट नो सर ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें कोई डाउट नहीं हो रहा स्टिल थोड़ा सा ब्रेक ले लेते कोई डाउट आ रहे तो बताओ चलो जीफेक्टेक्ट ठीक है चलो जी परफेक्ट आगे बढ़ते हैं तो अपनी जर्नी में वो क्या क्या देखते हैं वो देखते हैं भाई बैरन फील्ड देखते हैं बैरन फील्ड देखते हैं खुला मैदान ऐसे बंजर मैदान देखते हैं बारा सिंगा देखते हैं जो कि घास खा रहे हैं वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड ऐसेज वहां के ना कुछ गधे होते हैं ऐसे यहाँ गधे के लिए इस्तेमाल हुआ है कुछ वाइल्ड ऐसे जंगली गधे

चाइना और वो क्या देखते हैं कुछ रोगबास को देखते हैं जिनके साथ कौन होते हैं उनके कैटल जो उनके पालतू पशु पशु पक्षी होते हैं ना जो जो होते हैं गाय भेड़ भैंस ये होते हैं वो होते हैं और कुछ कुत्ते होते हैं मस्टिफ कौन होता है कुत्ते की जो प्रजाति होती है कौन होता है ये एक कुत्ते की प्रजाति एक डॉग होता है मस्टिफ और जिसका लंबा सा मुंह होता है ऐसे लंबा सा मुंह होता है ना वो वाला ये एक ब्रीड है किसकी डॉग्स की ब्रीड है ठीक है और हाईली वैल्यूडेज हंटिंग डॉग्स इन इंपीरियर चाइना इसको क्या माना जाता है हंटिंग डॉग जो कि हंट करने निकलता ना ऐसे सूंघने वाला वो होते ना वो वाले शिकारी कुत्ते जो होते ना वो इनको माना जाता है तो ड्रोकबाज क्या था हाँ कमेंट में बता दिया आप लोगों ने ड्रोकबाज क्या होता है अ... <laughs> मद मत... स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को विजिबल नहीं है थोड़ा और बड़ा कर देता हूं थोड़ा और बड़ा कर देते हैं लो अब ठीक है इज इट विजिबल नाउ थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने आपके लिए लो अच्छा अब ये कट गया कोई बात नहीं इसको मैं रब कर देता हूँ ड्रोकबाज <laughs> कहते हैं बंजारों को जो बंजारे थे ना उनके उनको बोलते हैं बंजारे और और ड्रोकबाज के राइटर क्या देखता है रास्ते में ड्रोकबाज को देखता है जिनके पास उनके पशु पक्षी होते हैं उनके कैटल्स होते हैं साथ ही साथ कुछ डॉग्स होते हैं जो उनके टेंट्स की रक्षा कर रहे होते हैं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है आगे बढ़ सकते हैं क्या हम

और क्या होता है क्या होता है वो बावन मीटर थे सी लेवल से ऊपर भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं है, बड़ा ऊंचा पर्वत है उसकी वजह से ऑथर को क्या होने लगता है उसको सर में दर्द होने लगता है उसकी नाक बंद होने लगती है कानों में दर्द होने लगता है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है एयर प्रेशर ठीक है आगे बढ़ जाए द कोल्ड वेदर अफेक्टेड ऑल्सोफेक्टेडर साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन ठीक है और उसकी वजह से क्या होता उसकी वजह से क्या होता है ऑथर्स को ऑथर्स को क्या होने लगता है उसको सर में दर्द होने लगता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है उसका दिल बैठा जा रहा होता है तो फिर वो क्या कहता है पानी पी लेता है क्या करता है फिर पानी पीता है वो अच्छा इतना क्लियर हुआ बिल्कुल क्लियर हुआ इसमें यहां तक कोई डाउट डा, अभी तक कुछ नहीं हुआ उधर जा रहा है अपनी यात्रा पे वहां वो वह चीजें देख रहा है और जब वो ज्यादा ऊपर पहुंच गया 5510 मीटर वन पहुंच गया वहां उसको क्या होने लगा बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी जिसकी वजह से उसने क्या किया पानी पिया और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की लेटर इन द डे रीज द टाउन नेम्ड हॉर अब वो एक जगह पहुंचे हॉर एक जगह थी जगह का नाम क्या था हॉर याद रखना हॉर यह भी की पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों यहां से देखो हॉर जगह पहुंचे विच वॉज डिस्क्राइब बाई दिजरेबल विद ऑफ वेजिटेशन एंड सराउंडेड बाय रॉक्स एंड डस्ट एक जो 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 ना हौर, ये जगह का नाम ना हॉर ये हॉर ऐसी जगह थी जिसको ऑथर ने कहा बड़ी मिजरेबल बड़ी बकवास जगह बहुत ही मुश्किल से भरी हुई जगह तो याद रखना हॉर कैसी जगह थी बहुत ज्यादा मिजरेबल जगह थी ऑथर ने क्या बोला इसको मिजरेबल बोला क्यों बोला क्योंकि उस जगह में कोई वेजिटेशन नहीं थी कोई घास पत्ती वत्ती कुछ नहीं थी सिर्फ और सिर्फ बंजर था सिर्फ पहाड़ियां थी और डस्ट थी यानी मिट्टी थी धूल मिट्टी थी और वहां पर कुछ भी नहीं था बंजर जगह थी तो कुछ कुछ मुश्किल है याद रखना कुछ भी नहीं इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या हुआ उसके बाद डैनियल रिटर्न टू लासा डैनियल तो लासा वापस चल गया लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट दी माउंट सरोवर लेक लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ हॉर विच वाज फिल्ड विद गार्बेज जो ऑथर था उसको डिसअपॉइंटेड करके जो डेनियल उसका साथी था ना वो तो चला गया वापस लासा में ठीक है अब ऑथर क्या था वहां माउंट जो वो जो, जो था क्या कहते हैं आपका मानसरोवर लेक थी वहां पे वहां पे वो, दे, वो देखता है ऑथर देखता है कि गार्बेज है वहां पे सिर्फ कूड़ा है कूड़े को देख के ऑथर क्या करता है कि इतनी गंदगी इतनी अच्छी जगह में मानसरोवर लेक सोचो ना कितनी सिक्रेट लेक है और वहां पर वो गंदगी देख रहा है ये देख के ऑथर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है तो अभी क्या हुआ डेनियल चला गया डेनियल वापस हो लिया अब क्या बचा अब ऑथर अकेला है अब ऑथर क्या करेगा देखते हैं भाई ऑथर क्या करेगा ऑप्स टिंग 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 टिंक अब ऑथर क्या करेगा आइए देखते हैं लेटर दैट नाइट दे अराइव एट अ गेस्ट हाउस इन डार्थन बट द ऑथर वॉज अनएबल टू स्लीप और रात को वो लोग क्या चले जाते हैं डार्चन में चले जाते हैं जगह का नाम है अगर मैं गलत इसको नहीं बोल रहा हूं तो बट द ऑथर को नींद नहीं कॉलेज फॉर इवेलुएशन और अगले दिन जो, जो उनका ड्राइवर था जिसको उन्होंने हायर किया था वो ऑथर को लेके कहा चला जाता है एक मेडिकल कॉलेज वहां का लोकल का मेडिकल कॉलेज होता है ना वहां लेके चला जाता है क्यों लेके चला, ले चला जाता है देखते हैं To do the kora, टू डू द कोरा सतन रिटर्न टू लहासा जब सतन को लगता है के लिए वो सोच रहा था, में ले रहा था कि पहुंच जाऊंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ द नेक्स्ट मॉर्निंग दो कप फीलिंग रिफ्रेशन टू बी नॉट एज बैड एज ई इनिशियली थॉट अगले दिन Uh, जब, जब जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं ना तो हमें जगह भी अच्छी लगती है जब हम ही बुरा फील कर रहे होते हैं ना वो जगह भी बुरी फील होने लगती है दिस इज द साइकोलॉजी ये बहुत सिंपल सी बात है ऐसे उतर के साथ हो रहा था कि अगले दिन उसको अच्छा लगता है डांचन क्योंकि अब उसकी तबीयत सही हो गई थी ही डिस्क्राइब द टाउन एज डस्टी एंड रन टाउन विद अ फ्यू बेसिक शॉप्स वो कहता है कि जो बात है वो जगह ठीक है इतनी बुरी नहीं है लेकिन हाँ उसके धूल मिट्टी बहुत है वहां पे और क्या होता है एंड रन डाउन और वो क्या करता है कुछ दुकानों के पास भी जाके देखता है जो बेसिक शॉप्स होती हैं नॉट मैनी पिलग्रिम्स वर अराउंड एंड द ऑथर्स थॉट ही माइट हैव अराइव टू अर्ली फॉर द पिलग्रिमेज सीजन उसे लगता है कि वहां पर ना कोई भी जो होते हैं ना यात्री जो होते हैं जो धर्म यात्रा पे निकले होते हैं वो वहां पे नहीं है जो तीर्थ यात्री वो नहीं है हो सकता है कि वो गलत टाइम पे वहां आया था वहां वो वो जो टाइम पे ऑथर पहुंचा था ना वो टाइम वहां पे धार्मिक यात्रा करने का तीर्थ यात्रा करने का सीजन वो नहीं था विद मोस्ट ऑफ द वे ब्लॉक अलोन ज्यादातर रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद थे तो ऑथर अकेले यात्रा नहीं करना चाहता था वो ढूंढ रहा था डेनियल तो था नहीं उसके साथ वो चाहता था कोई उसको वहां पर मिल जाए चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है वाइल्ड वेटिंग फॉर द राइट कंडीशन थोड़ा ऊपर हो जाओ वाइल वेटिंग फॉर द राइट कंडीशन मैट नोरबू रिसर्चर फ्रॉम द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल इन बीजिंग हु द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरा बुद्धिस्ट लिटरेचर इंतजार जो सही एक समय का इंतजार करने के लिए कि जब बर्फ थोड़ी रुक जाएगी मैं अपनी यात्रा अपनी जो जर्नी है दोबारा रीस्टार्ट करूंगा रिज्यूम करूंगा ऑथर को कौन मिलता है जिसका नाम क्या था नोरबू नाम था उसका क्या नाम था नोरबू नाम था वो उसको मिलता है जो कि चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस बीजिंग के अंदर बीजिंग चाइना की क्या है कैपिटल है वो वहां पर स्टडी कर रहा था सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरा ठीक है तो तो रिसर्चर था के अंदर, कि कितना महत्व है कोरा का बुद्धिज्म के अंदर बुद्धिस्ट लोगों के बीच में ये देखने को वहां पे आया हुआ था तो अब ऑथर को कौन मिल गया नोरबू मिल गया फाउंड आउट वर बोथ टू डू द कोई नहीं मुझे कोई तो मिल गया जो मेरे साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो गया था जबकि जो नोरबुदा बड़ा मोटा था वो कहता था मेरे बस की नहीं मुझे लगता है मेरे बस की नहीं यात्रा में कर पाऊं लेकिन वो दोनों फिर भी अपनी यात्रा को साथ में करने के लिए निकल पड़ते हैं तो ये पूरा एक्सपीरियंस था किसका ऑथर का था ऑथर का क्या एक्सपीरियंस हुआ एक बार इसको समअप करते हैं सम कर दे मजेदार है कि नहीं आप सोचो आपको किसी यात्रा पे जाना है किसी जर्नी के लिए निकलना घूमने जाना है ऐसे मान लो तो घूमने के लिए क्या करा आपने आपने कोई साथी पकड़ा डेनियल को पकड़ लिया बेलिल के साथ आप गए आपने फिर क्या देखा आपने कहा यार वहां के रास्ते के लिए कि ना ड्राइवर हायर कर लेते तो आपने सत्यन को ले लिया सतन को ले लिया अब आप सत्यन सटन ड्राइविंग करा ढूंढ ढूंढूंढ ढूंढ ढूंढ सत्यन रास्ते में आप, आप खिड़की में देख के तो जाओगे ना तो इस तरह से देखो खिड़की में आप क्या देखते हुए जा रहे हो आप देख रहे हो स्नो है बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं आप देख रहे हो कि कहीं पे वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो फिर नोमेट्स के टेंट आ गए जो भी वहां के बन जा रहे थे ना जिनको क्या बोलते थे क्या बोलते थे जल्दी कॉमेड में बताओ क्या बोलते हैं वो आपने देखा और आप इस तरह से आगे बढ़ते चले गए फिर आपने देखा कि वहाँ पे आपकी तबीयत खराब हो गई वहाँ ज़्यादा ऊँचाई पर जब पहुँचे इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे तो आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगी फिर आपने पानी वानी पिया आपको डॉक्टर को उठा के लेके चले गए सैतन बड़ा अच्छा आदमी था सैतन बहुत अच्छा आदमी था उसे ड्राइवर ही नहीं था उसने बड़ी हेल्प भी करी ऑथर की वो ले गया उसको वहाँ पे एक वहाँ के इंस्टीट्यूट में मेडिकल इंस्टीट्यूट में और वहाँ पे जाके उसका इलाज वालाज करवाया अगले दिन वो सही हो गया और फिर अब और थोड़ा सोच रहा अब क्या करूँ मैं अब और ढूंढ रहा था इंतज़ार करने लगा कि मौसम सही हो जाए और सही मौसम जब होने पे आया तब उसे एक रास्ते में एक बंदा और मिला जिसका नाम था नोरबू जो कि चाइना की जो जो, जो एक इंस्टीट्यूट था चाइना का कौन सा इंस्टीट्यूट था भाई रिसर्चर फ्रॉम चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसिस चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस का जो एक रिसर्चर था वो वहां पर रिसर्च करने आया था कि जो ये कोरा होता है वो कैसे होता है तो वो उसके साथ उस यात्रा पे पिल्गमेज पे निकल जाते हैं ठीक है ये पूरी कहानी है पूरी यात्रा है किसकी दस सिल्क रोड की क्या इसमें कोई अभी तक डाउट आया आप मुझसे कॉमेंट करके बताओ फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से इस चैप्टर के फिर क्वेश्चन देखेंगे हम सो प्लीज लेट मी नो क्या आपको इतना क्लियर है कि नहीं ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था सिल्क रोड जो हमने कंक्लूड किया है चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस कहां पूछे इंस्टा आईडी दे दो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो भाई कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी कमेंट में पूछ सकते हो या कोई भी वीडियो आप हमारे यूट्यूब देखते हो वहां कमेंट में पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे डियर सर लिख के सर्च करो वहां पे आपको आईडी मिल जाएगी टेलीग्राम पर डियर सर लिख के सर्च करो वहां पर आपको आईडी मिल जाएगी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है चलो जी आगे बढ़ते मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई खास डाउट नहीं होगा मैंने इसको समक करके बता दिया है दोस्तों सच बता रहा हूं सिर्फ आपके लिए लाइव खड़ा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए इलेवंथ वो खासतौर से देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इलेवंथ वालों के लिए लाइव बताओ टेंथ और ट्वेल्थ वालों के लिए आओ उनका बोर्ड है उनके लिए कोई खड़े हो और मैं आप सच बताऊं आपको इलेवंथ वालों के लिए कोई कुछ कर भी नहीं रहा है कोई मैं खुद देख रहा हूं कि ज्यादातर एलेवंथ वालों के लिए कोई कुछ खास नहीं कर रहा है क्योंकि सबको बोर्ड वालों की चिंता है मैं सिर्फ क्यों खड़ा हूं क्योंकि आपका विश्वास है आपका प्यार है आपको उम्मीदें हैं तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कि चल यार मैं इन बच्चों को किसी तरह फायदा पहुंचा दूं कुछ भी हो जाए एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे कोई बात नहीं लेकिन आपका फायदा करा देंगे इलेवंथ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बच्चे का डर खत्म होगा आगे उसको एक उम्मीद मिलेगी हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्म करके ट्वेल्थ में और दिल से मेहनत करना शुरू कर दो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि निस्वार्थ मेहनत होती है ना जहां आप बस बिना कुछ सोचे समझे मेहनत कर रहे होते प्यार की वजह से सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लव प्यार है आप लोगों से आपकी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरना है बस इसलिए लगेगा दोस्तों सो प्लीज सपोर्ट करो आगे बढ़ते हैं मेरे साथ थोड़ी और मेहनत करो ना इस चैप्टर को समझते हैं ना इसके क्वेश्चन समझते हैं ना मुझसे सब कहते थे इलेवंथ का कोई सहारा नहीं इलेवंथ तो बिल्कुल ही इलेवंथ वाले बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई नहीं होता वो कौन सी है कौन सी मूवी है अमिताभ बच्चन की और क्या बोलते हैं जिनका जिनका कोई लावारिस लावारिस होते हैं इलेवंथ वाले ऐसा बोलते हैं मैंने कहा नहीं भाई नहीं होते लावारिस हमें उनके लिए हम आए उनके लिए चलो जी आगे बढ़ते हैं इलेवंथ वाले तुम ना लावारिस नहीं हो हम है तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना तुम्हारे लिए आओ चलो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान देखो वाई वर्थिन मस्तीस पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स बड़ा सिंपल सा है क्योंकि वो हंटिंग डॉग माना जाता है सीधा सा आंसर था इसका द ऑथर एक्सपीरियंस एट हॉर वाज इन स्टार कंट्रास्ट टू अलियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस डिस्कस भाई ऑथर को हॉर के बारे में होर क्या था एक बहुत ही बंजर इलाका था जहाँ पे वेजिटेशन नहीं थी जहाँ पे डस्टी डस्ट था और पूरा बता देना ना इसके अंदर कि के बाद में फिर उसको लगता है नहीं इतना भी बुरा नहीं था लेकिन वो कहता है कि डस्टी जरूर था एक क्वेश्चन है हाउ वाज हाउस बिग सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी भाई सैतना होता तो ऑथर तो शायद भगवान को प्यारे हो जाते भगवान की तलाश में निकले थे हो जाते प्यारे क्यों सैतनी वो इंसान था जिसने ऑथर की मदद करी थी हेल्प करी थी जब उसकी तबियत खराब हो गई थी शॉर्टकट से लेके चला गया था और जब तक ये सही नहीं हुआ कौन ऑथर ऑथर की तबियत जब तक सही नहीं हुई उसके साथ बना रहा और जब वो सही हो गया तब वो उसको छोड़ गया दैट्स व्हाई दैट वाज अ बिग सपोर्टर ही वाज नॉट जस्ट अ ड्राइवर ही वाज नॉट जस्ट वर्किंग फॉर द मनी क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म कोरा एज यूज इन द लेसन कोरा क्या है कोरा क्या है क्या बताने की जरूरत है कोरा बिल्कुल भी नहीं भाई कोरा अगर आपसे पूछ ले क्या है तो अब तो मुझे भी समझ में आ चुका है आपको भी समझ में आ चुका है भाई एक पिलग्री धार्मिक यात्रा होती है एक सेक्रेट रिचुअल्स होता है बुद्धिस्ट और हिंदूज का उसको कहते हैं कोरा है ना बुद्धिस्ट के लिए भी है और और हिंदूज के लिए भी है चलो जी वट वॉज नोरबूज इंपॉर्टेंस फॉर द राइटर राइटर के लिए नोरबु नोरबू कौन था वो मोटा अंकल जो थे नोर्बु नोर्बु कौन था एक रिसर्चर था कहां का चाइना का कहां बीजिंग का कहां सोशल साइंस की एक इंस्टीट्यूट थी वहां का वो वहां क्या करना आया था जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी लाइफ में कोरा का क्या रेलेवेंस है क्या सिग्निफिकेंस है ये ऑब्जर्व करने वो पिलग्रिमेज पे उस यात्रा पर निकला था किसके लिए कहां कोरा करने निकल गया था कौन नोर्बु जो मोटा अंकल था वो अब उस राइटर को उसकी राइटर की लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है राइटर की जर्नी में क्योंकि भाई राइटर अकेला था उसको कोई चाहिए था यात्रा करने के लिए ही वॉज वेटिंग फॉर फॉर ही वॉज वेटिंग फॉर समवन ही नीडेड समवन दैट्स वाई नोरबू को नोरबू के साथ आने से क्या हुआ राइटर को एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थॉट आया वो ऑप्टिमिस्टिक हुआ कि येस आई कैन कंटिन्यू माई जर्नी सो दैट इज द रेलिवेंस ऑफ नोरबूज इन राइटर्स लाइफ ठीक है क्लियर हो गया उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं दी दी एडवेंचर एडवेंचर बिल्कुल देखो मैं मेहनत कर रहा हूं ना मैं चाहता हूं रिजल्ट दिखाओ अब तुम आपके लिए मेहनत हो रही है ना तो इलेवंथ में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आना यार बढ़िया से मार्क्स लेके आना मैं कंटिन्यूसली चार घंटे यहां बोलने के लिए तैयार हूं बढ़िया से बढ़िया आपको ट्रिक बताने के लिए तैयार हूं तो शॉर्ट में ये चैप्टर हमने खत्म किया अब इसके जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस आसानी से सॉल्व कर पाओगे दो चार बात अगर आपको कहीं पे रह जाती है नहीं समझ आती तो वो भी आप समझ में आ गई होंगी ठीक है चलो जी बहुत अच्छा भाई बीस हजार व्यूज होने जा रहे हैं हमारे यार तुम लोग बहुत अच्छे से प्यार देते हो लाइक करते हो बड़ा अच्छा लगता है सो जो भी साथी अभी अभी जुड़ रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना यार अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो खुशी होती है और लोगों को पता चलता है कि अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो किसी के लिए तो आपकी मेहनत की कदर की जाती है पूरी दुनिया देखती है फिर कि भाई डियर सर आए इलेवंथ के लिए हेल्प करने के लिए इलेवंथ वालों को सपोर्ट करने के लिए तो देखो इलेवंथ क्लास वालों ने कितना सपोर्ट करके दिखाया बदले में देखो कितना प्यार दिया इलेवंथ वालों ने ये नहीं कि आप सिर्फ सिर्फ इलेवंथ uh, वालों को एक लवार समझ के छोड़ रहे हो नहीं ठीक है चलो जी आगे बढ़े चलो द एडवेंचर चैप्टर के बारे में बात करते हैं अभी उम्मीद करता हूं कि आपको

जो सेतन था वो कौन था नोरबू कौन था ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे मुंह से सवाल निकल रहे सवाल नहीं निकल रहे पेपर लीक कर रहा हूं मैं आपका पेपर लीक कर रहा हूं अरे रो कौन रहा है प्यारा बच्चा अरे रो मत बच्चे कौन है? एक मिनट में तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ पाया प्लीज प्लीज डोंट क्राई आप ना रो इसलिए तो हम खड़े सर थर्टीन को इंग्लिश का कुछ कर दो अरे डोंट वरी यार कोई दिक्कत नहीं है तो अभी खत्म हो जाएगी राइटिंग सेक्शन के लिए वीडियो बनी हुई है जो भी टॉपिक आपके आ रहे हैं नोट मेकिंग अगर आ रहा है तो नोट मेकिंग आपकी नोटिस राइटिंग है लेटर राइटिंग है सब राइटर बिजनेस बिजनेस लेटर भी आपके करा रखे हैं मैंने हर तरह का लेटर आपके लिए वीडियो बनी हुई है लेटर बाय डियर सर लिख के सर्च करो ठीक है ग्रामर आ रही है तो ग्रामर बाय डियर सर लिख के सर्च करो ग्रामर भी कंप्लीट करा रखी घबराओ मत बिल्कुल भी अगर हिम्मत से काम लोगे ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करोगे ज्यादा स्कोर करोगे अगर डरते रहोगे पूरा सिलेबस भी कर लोगे तो भी बेकार स्कोर करोगे एज सिंपल एज दैट ठीक है सो so डरने का नहीं अगर थर्टीन को भी पेपर है मेरे प्यारे बच्चों जुट जाओ आओ चलो आगे बढ़ते चैप्टर है एडवेंचर तो अब एडवेंचर चैप्टर क्या है दी एडवेंचर इज साइंस फिक्शन सबसे पहली बात ये स्टोरी नहीं एक फिक्शन है एक तरह का फिक्शन है कि ऐसी सोच है साइंस फिक्शन है साइंस के ऊपर जैसे फिल्में होती है ना साइंस फिक्शन के ऊपर क्रिश आ गई एकदम रोबोट आ गई मूवीज तरीके की इस तरह से ये भी एक चैप्टर है है साइंस फिक्शन का ठीक अबाउट प्रोफेसर गायटोंडे 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 तो कोई तो फिल्म में ना कौन सी फिल्म में गायटोंडे सिंगम में ना हाँ गायटोंडे वही वाला ही, ना गायटोंडे हाँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली महाराष्ट्र के होंगे ना प्रोफेसर गायटोंडे हु डिस्कवर्स अ हुटिंग हिस्ट्री एंड सेट्स आउट एन जर्नी टू सॉल्व द मिस्ट्री हिस्ट्री एंड मिस्ट्री हिस्ट्री एंड मिस्ट्री

जो उनको लगता था कि नहीं ये कभी मुगलों का जो अंग्रेजों का हम पे राजी ना हो अंग्रेज हार जाए तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में बैठ गया था ये एक हिस्टोरियन थे कौन प्रोफेसर गाइटेंडे कौन थे एक हिस्टोरियन थे हिस्ट्री के आ, एक प्रोफेसर थे तो उनके दिमाग में क्या क्या होता देखते है देखते हैं ये विजिट्स न्यू ऑन हिस्ट्री अब उनको जब यकीन नहीं आता नहीं क्या चल रहा है वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं

बड़ी इंटरेस्टिंग है बहुत मजेदार स्टोरी है इसके ऊपर मैं मूवी बना दूंगा मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत प्यारी स्टोरी मूवी बननी चाहिए दी एडवेंचर चैप्टर एक्सप्लोर्स प्रोफेसर गायटोडे डाउट्स अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड रियलिटी ये एक स्टोरी है प्रोफेसर गायटोडे की जिनको डाउट है शक है किसके ऊपर हिस्ट्री हिस्टोरिकल फैक्ट्स और रियलिटी में मतलब फर्क नहीं कर पा रहे वो फर्क नहीं कर पा रहे उनके हिसाब से हिस्ट्री कुछ और, और रियलिटी कुछ और है क्या है देखते हैं इज अ वेल नोन हिस्टोरियन ट्रेवलिंग फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे वो एक वेल well नोन बहुत मशहूर क्या है हिस्टोरियन है हिस्टोरियन एंड एन अ वेरी वेल नोन हिस्टोरियन इज अनाड हिस्टोरियन एंड ही फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे बट फाइंड हिमसेल्फ इन एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड वेर हिस्ट्री हैजेकेंट टर्न अब लेकिन वो खुद को कहा पाते हैं फाइंड हिमसेल्फ इन एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड किसी और दुनिया में खुद को पाते हैं जहां पर जो हिस्ट्री होती है उसने एक डिफरेंट टर्न ले लिया है क्या मोड़ लिया वो दिखते हैं मराठा लीडर वो सेव्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत उनके हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आज भी है ईस्ट इंडिया कंपनी है आज भी ठीक है और जो बैटल ऑफ पानीपत पथ का था कॉन्ट्री टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आफ्टर अ कार क्रैश

चलो जी आगे बढ़ते हैं द मुंबई ही ही इज इन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मुंबई जो ये मुंबई थी वो उस मुंबई से बिल्कुल अलग थी विक्टोरिया terminus स्टेशन where ही गेट्स डाउन इज वेरी क्लीन Coaches ऑफ ट्रेन रेड ग्रेटर बॉम्बे Metropolitan Metropolitan रेलवे इवन द स्टाफ वर एंग्लो इंडियन विद सम ब्रिटिश officials. उनके हिसाब से ना उन्हें क्या लग रहा था उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जो उनका जो मेट्रो स्टेशन है ना मेट्रो कह रहा हूं ट्रेन स्टेशन है टर्मिनल है वहां भी पूरा इंडिया में जैसा इंडिया में होता है गंदे गंदे ट्रेन स्टेशन है अभी भी अफसोस की बात है बहुत अफसोस की बात है हम भी लोग गंदा करते हैं नहीं करने चाहिए वो साफ सुथरे हैं वहां पे आज भी अंग्रेज ऑफिसर्स हैं अंग्रेज एम्प्लॉय है, उन्हें ऐसा लग रहा था इंडियन और अंग्रेज अभी भी अंग्रेजों का राजसा है ईस्ट इंडिया उन्हें नोटिस ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर है जब वो ट्रेन से उतरे सिमिलर स्ट्रक्चर इंक्लूडेड बैंक एंड ब्रांड्स दैट वाइमरली ब्रिटिश इन रियलिटी सन वर्क वॉज नॉट इवन देयर

उन्होंने देखा कि इंडिया तो कभी ब्रिटिश रूल का हुआ ही नहीं था मतलब ब्रिटिश का राज आया ही नहीं था बस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया कर रही थी था। लेकिन कभी ब्रिटिश रूल हुआ ही नहीं था ठीक है। him, उनके दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई क्या चल रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। library, आजाद the इसके बाद वो एक आजाद मैदान में गए जहां उनकी थोड़ी सी झड़प हुई गैटे वॉज पुस्ड ऑफ द स्टेज उंड अनकॉन्स इंग्राम हिस्सा उसके बाद उन्होंने उन्होंने सब महसूस किया कि उनको किसी ने स्टेज धक्का दिया जिससे वो पीछे जागे गिरे और एकदम से अनकॉन्शियस हो गए बेहोश हो गए ठीक है देश पांडे टू आज का क्वेश्चन अब जब वो उनका वो नाइटमेन Uh, जो उनका जो बुरा ख्वाब था वो खुला तो उसके बाद प्रोफेसर uh, कौन से प्रोफेसर थे देशपांडे उनके दोस्त रहे होंगे उनके पास गए सवाल पूछने ही हैं डिस्कवर्स ड्यूरिंग हिज विजिट दैट रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर सेंसेस मे परसीव एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड वी इनहेबिट माई टेक ऑन सेवरल फॉर्म्स और डायमेंशन राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गाइटोडेस फ्रेंड भाई प्रोफेसर गायटोंडे के फ्रेंड थे उन्होंने क्या करा ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यूजिंग कैटास्क्रॉफिक थ्योरी एंड द लैक ऑफ डिटर्मिनिजम इन क्वांटम थ्योरी वो उन्हें बता दें कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है

ज द मराठा आर्मी टू लूज मोराल एंड अल्टीमेटली लेट टू डिफीट वो बताते हैं कि लड़ाई हुई थी ना पानीपत की तो उसमें जो मराठा लोगों ने एक बंदूक गोली चलाई थी वो गोली मिस कर गई थी वो लगी नहीं थी जो अंग्रेजों से लड़ाई हो रही होगी उस टाइम पे इस वजह से जो पूरी मराठा की वो थी ना कॉम पूरी पूरी उनकी सेना थी उनका मोरल डाउन हो गया था उनके हौसले पस्त हो गए थे कंधे झुक गए थे इस वजह से पहले क्या होता था अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं मान लो किसी की जंग हो रही होती थी ना वॉर हो रही होती है वॉर इस तरह से लड़ी जाती थी मान लो मैं लीडर हूँ और सामने भी कोई लीडर तो जंग कैसे लड़ी जाती थी अगर उस लीडर की मौत हो जाती है लीडर मर जाता है तो जो उसकी फौज होती थी वो अपने आप डाउन हो जाती थी वो हार मान लेते थे मोस्टली ये होता था इसलिए जो निशाना होता है ना वो लीडर होता है लीडर को सबसे पहले सेव किया जाता है उसी को सेव कार्ड दिया जाता है सारा ताकि ताकि वो ना मर जाए अगर लीडर खत्म सेना खत्म मैच खत्म बिल्कुल ऐसा होता है मान लो जैसे क्रिकेट के अंदर कैप्टन आउट हुआ ना तो मान लो पूरी टीम ऑल आउट हो गई वही चीज होती थी तो वहां पे क्या वो मराठा ने निशाना बनाया होगा जो अंग्रेजों का मेन बंदा था वो गोली मिस चली गई नहीं हुई मिस फायर हो गया बिलीव दट अ स्मॉल चेंज दिचुएशन वु चेंज द आउटकम ऑफ द वॉर एंड फेवर्ड द मराठाज तो उसको लगता है कि प्रोफेसर गाइटंडो को भी ऐसे लगता होगा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि भाई अगर काश मराठा वो मिस ना करते ना तो मराठा फाइट जीत जाते और इंडिया में ब्रिटिश रूल आता ही ना कंक्लूजन क्या इस चैप्टर का द एडवेंचर समरी दैट आर रियलिटीज द वन वी परसीव एंड वाइल दे मे अपियर रियल दे आर सो ऑल सिंपली सॉरी सॉरी तो ये कह रहे कि एक्चुअल तो पूरे चैप्टर में बताया गया कि जो सच हम महसूस करते हैं जो हमें दिख रहा होता है उसमें और जो हम महसूस करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है बहुत ज़्यादा अंतर होता है अभी तक इस स्टोरी में किसी को कोई डाउट हुआ हो तो मुझे प्लीज़ बताओ इस चैप्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है किसी को कोई डाउट आया तो मुझे बताओ प्लीज़

अगर आप कहीं की भी रिविजन क्लास कर रहे हो, मैं आपको पहले आई मेक यू श्योर आई मेक यू श्योर के अगर आप कहीं से भी रिविजन कर लोगे ना किससे भी रिविजन कर लोगे, दैट डज नॉट गारंटी यू टू गेट सक्सेस या टू स्कोर गुड मार्क्स इसका यह मतलब नहीं होता रिविजन से ज्यादा आपकी रिविजन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपने कितनी रिविजन करी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ओके सो राइट नाउ दिस इज योर टाइम आई हैव गिवन यू ऑल द कॉन्टेंट रिलेटेड टू योर स्टडीज एंड आई एम आई एम स्टिल गिविंग यू सम समय सम इंपोर्टेंट कॉन्टेंट आई एम वर्किंग ऑन इट सो डोंट वरी अबाउट इट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट मैं बहुत सारा आपके लिए काम पे आपके कॉन्टेंट पे काम कर रहा हूं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए लेकिन आप अप्लाई करो इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके चलो जी ये चैप्टर समझ में आया बहुत अच्छा था <clears throat> थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन देख लेते हैं Hmm. यह अच्छा क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोफेसर गाइटोंडे स्टेड स्टडी ऑफ हिस्ट्री के जो प्रोफेसर गाइटोंडे थे उनका जो 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 उनके जो वो था क्या कहते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री थी और जो उनका स्टे था उसके बारे में वो जो उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ा था उसमें क्या फर्क था वॉट रिडल वॉज ही कीन टू सॉल्व और वो कौन सी रिडल सॉल्व करना था उन्होंने देखा था कि भाई लाइब्रेरी में पढ़ा था कि भाई कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था कि जो जो क्या कहते हैं ब्रिटिश का राज ही नहीं आया था और मराठा वहाँ पे वो बच गया था वो गोली लगी नहीं थी तो तो इस तरीके की बातें थी वो सेव हो गए थे मराठा ऐसे हाउ डिड राजेंद्र देश पांडे अप्लाई हिज थियोरी ऑफ कैटस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत वो बता देते हैं वही वाली बात वही गोली मिस होने वाली बात होती है तो वो वाली थियोरी के बारे में बात हो रही है डिस्क्राइब हाँ। गंगाधर पल्स जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू मुंबई तो वहां पे वो, वो जर्नी बतानी है जहां पे वो देखते हैं कि अभी भी इंडो एंग्लो काम कर रहे हैं साथ में और फॉब्स को तो ऑफिस का बेटा काम करता था वो है ही नहीं हर चीज साफ सुथरी है वो वाली चीज आ रही तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड हो जाएंगे एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर रहते हैं तो आप एक बार रीडाउन रीडिंग करोगे इसको अच्छे से तो आपको और क्लियर हो जाएगा चलो जी आगे बढ़ते हैं हाँ जी वी आर नॉट फ्रेड टू डाई नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टार्ट करें आर यू रेडी बहुत अच्छी बात है अभी तक 22,000 व्यूज हो गए वेरी गुड दोस्तों जो भी अभी नए नए जुड़ता जा रहा है लाइक करें प्लीज लाइक करें वीडियो को लाइक करें देन वी कैन गो अहेड चलो ये आगे बढ़ते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई किसकी कहानी पहले बता देता हूं देखो हम लोगों की कहानी नहीं है पहले बता रहा हूँ आपकी और मेरी ये बिल्कुल स्टोरी नहीं है ये उन लोगों की स्टोरी जो बाहर के लोग होते हैं ना यूरोप वाले हो गए या अमेरिकन हो गए उन लोगों को बड़ा बहुत एक आई वुड से कीड़ा होता है भाई उन्हें कुछ एक्सप्लोर करने का एडवेंचर करने का <laughs> उनका एडवेंचर क्या होता है कि भाई साहब ना सोलह साल से प्रैक्टिस कर रहे थे कोशिश कर रहे थे खुद को प्रिपेयर कर रहे थे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे इन्हें ना एक वर्ल्ड यात्रा करनी थी पूरी दुनिया की यात्रा करनी थी जहाज से शिप से शिप से इनको यात्रा करनी थी ये उसकी तैयारी में लगे हुए थे ठीक है जो ये राइटर है <coughs> उसकी तैयारी तैयारी कर रहे थे ये और अकेले नहीं कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ कर रहे थे अपनी पूरी फैमिली के साथ कर रहे थे एक सेकंड तो भाई अपनी फैमिली के साथ ये तैयारी कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने एक पूरा जहाज़ भी लिया था एक पूरा जहाज़ एक शिप लिया और उस शिप के साथ ये अपने बच्चों को भी लेके गए भाई ऐसे ही नहीं पूरा पूरा बच्चे समेत गए और पूरी दुनिया का इनको चक्कर लगाना था ये सोच के अब इनके साथ क्या होगा अब भाई तुम जा तो रहे हो और वो पानी में क्या होता है वो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो वो लड़ एकदम इनको पर आईं व इनका पूरा शिप भी गिर गया एकदम वो फिर ऊपर वाले ने कम कर लिया दोबारा से इनको उठा दिया और इस दौरान इनकी हड्डी वड्डे टूट गए पसली उसली सब टूट के दादा सब निकल गए बाहर आ गए इन्हें लग रहा है सब तो ऊपर की सवारी करेंगे अब तो मर जाएंगे हम लेकिन फिर इनके परिवार ने हौसला बढ़ाया इनको भी हौसला बढ़ा मिल जुलकर इन्होंने किसी तरह सर्वाइव किया तब इनके बच्चों ने कहा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी ऑल आर टुगेदर हमें डरने की जरूरत नहीं जब तक हम साथ साथ हैं ना वही वाली बात है हम साथ साथ हैं फिर डरने की क्या बात है वो वाली चीज थी ठीक है ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइफ वी ऑल आर टुगेदर अगर आप और मैं साथ हैं हम लोगों का विश्वास है कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो बहुत बहुत आ जाएंगे अच्छे मार्क्स पढ़ते हैं उन्नीस सौ छहत्तर की बात है बहुत पुरानी बात है

हम दो हमारे दो और उनके दो ठीक है तो उनके दो दो इनके वो हो गए जो साथ जाने वाले लोग थे इन्होंने एक एक जहाज एक शिप उसको इस्तेमाल किया वो कौन सा था वेव वॉकर नाम उसका वेव वॉकर था यानी लहरों पर चलने वाला तो याद रखने वाला पॉइंट है दोस्तों ध्यान से देखो वेव वॉकर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म वेव वॉकर क्या था इनका शिप का नाम था किसके गॉर्डन कुक के जो कि 23 मीटर लॉन्ग था और 30 टॉन्स तक का उसका वेट था ठीक है इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी कवरिंग अप्रॉक्सिमेटली वन जीरो फाइव एक लाख पांच हजार किलोमीटर वन लाख फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स टू केपटाउन वेंट स्मूथली और भाई केपटाउन तक तो ये बढ़िया से चले गए इंग्लैंड से आई थिंक ये निकले थे और उसके बाद केपटाउन तक तो ये बढ़िया से स्मूथली चले गए हाउर ड्यूरिंग देअर सेकंड ट्रिप टू केपटाउन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉग विन स्टोम्स एंड वेवस दैट वर एज हाई एज द मेन मास्ट रीचिंग अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें आनी शुरू हो गई भाई बड़ी ऊंची ऊंची लहरें इनके ऊपर आनी शुरू हो गई पहली ट्रिप तो सही निकली जो दूसरी थी ना वो बहुत लंबी खराब हो गई इनकी ठीक है अब क्या हुआ हाउ एवर ड्यूरिंग स्ट्रॉक हो गया डिस्पाइट दीज चेल द नरेटर वॉज नॉट डिस्करेज तब भी वो ना उन्हें डर नहीं लगा नहीं हौसला नहीं छोड़ा चलते रहे ऑन डिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ क्रिसमस का दिन आया दे अराइव इन ददर इंडियन सी अबाउट थर्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैपटाउन <laughs> इंपॉर्टेंट है ये वाले टाउस जानबूझ के मैंने डाले आपको एग्जाम में लिखने ये पैतीस हजार किलोमीटर ईस्ट केपटाउन में एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर अब क्या हुआ था ये आगे बढ़ते रहे नहीं पंद्रह पंद्रह मीटर ऊंची जो लहरें थी वो इनके ऊपर आ रही थी बट ये नहीं डिस्करेज नहीं हुए ये कंटिन्यू चलते रहे और इन्होंने Christmas मनाया फिफ्ट दिसंबर को कम मनाया जब ये अबाउट पैंतीस हजार किलोमीटर के आसपास ईस्ट थे कैपटाउन से एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर ऑन जनवरी सेकंड दो जनवरी के दिन क्या हुआ इनके साथ द वे बिकम इन साजिंग बोट स्पीड लोअर द स्ट्रॉन्ड सिक्योर द लाइफ बोट एंड जैकेट्स ठीक है लेकिन अब क्या हुआ अब वो इन्होंने अपनी बोट को अपना जो शिप था उसको हल्का कर लिया गया नहीं अब तो बहुत खतरनाक तरीके की वेव्स आ रही हैं और इन्होंने सारी चीज़ें करी जिससे वो अपने उसको क्या कहते हैं जो बोट थी अपना जो शिप था उसको हल्का कर सके

लेकिन अचानक से क्या होता है एक बड़ा एक धमाका सा होता है एक से लगती है और क्या होता है जो राइटर होता है जो चला रहा होता है वो जाके गिरता है दूर शिप से दूर जाके गिरता है ठीक है फिर क्या होता है ही कुड सी हिज डेथ एंड स्टार्टेड लूजिंग कॉन्शियसनेस लेकिन उसको अपनी अब ना इतना बुरा जाके गिरता है कि उसे अपनी मौत नजर आ रही थी उसने मान लिया था कि अब तो मैं तो मर गया किसने गॉर्डन कोक था जो था मेन बंदा कोक उसको लग रहा था अब तो मैं मर मरा जाऊंगा अब मैं बचने वाला नहीं हूं लेकिन फिर क्या होता है बट अनदर ह्यूज वेव हिट एट एंड राइट एट लेकिन क्या होता है एक दूसरी लहर आती है और वो पलटे हुए जहाज को दोबारा से सीधा कर देती है चलो सीधा हो गया जहाज द नरेटर वॉज थ्रोन बैक ऑन द ऑन टू द डेक और डेक पे आ जाता है जो जहां पे चलाते हैं ना वहां पर आ जाता है दोबारा से एंड सस्टेन हेड एंड रिब इंजरीज फ्रॉम हिटिंग टूट जाती है, भाई की, जाते है और क्या टूटता है हाँ, hmm. सर भी फूट जाता है ठीक है वो जो वेब वॉकर जो उनका जहाज होता है उसकी वॉल्स से जो उसकी दीवारें होती हैं, वो लगती है उनके ठीक है बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका डिस्पाइट हिज इंजरीजर टू कंट्रोल टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ऑन लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं आता दांत टूटे हुए भाई पसली टूटी हुई लगे हुए हाँ लगे हुए लगे हुए चला रहे हैं क्योंकि भाई अब बचाना था ना उन्होंने हिम्मत नहीं हारे अगर वो कर लेते मेरे नहीं हो गया मेरा हो गया आप लोग अभी घबरा रहे हो एग्जाम से घबरा रहे हो वहां भाई की पसली टूट गई दाँट टूट गए सर फूट गया उनके बच्चों के भी गुम में पड़ गए लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे थे देवर फाइटिंग फॉर द लाइफ यू शुड फाइट फॉर यूर करियर ओके ओके गो एड फिर क्या होता है याद है हम मीन वाई लेरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शेप डिस्पाइट द चैलेंजेस द नरेटर मैनेज टू कवर द गैप्स विद कैनवास टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द पूरे जहाज पे पानी पानी था तो ये लोग क्या करने लगे ऐसे पानी फेंकने लगे बाहर फेंकने लगे वरना जहाज डूब जाएगा अगर पानी सारा उसमें पहुंच जाएगा तो और वो पंप वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे थे पानी को वहां से निकालने के लिए ओके okay, जी कहां थे हम ठीक है द हैंडपंप फेल्ड हाउ एर दैंडपम्प फेल्ड एंड इलेक्ट्रिकॉर्ट सर्किटेड एट द सेम टाइम्प ना फेल हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से और जो पंप थे वो भी खराब हो गए थे दर नाइट वर्क टूगेदर पंपिंग स्टियरिंग रिपेयरिंग एंड सेलिंग पूरी रात वो छह लोग जो वहां पर मौजूद थे दो बच्चे दो माँ बाप और दो जो लैरी एंड स्वि दूसरे थे वो जो उनके फ्रेंड साथ में थे सेलर्स वो लोग छह लोग लगे रहे पानी को बाहर निकालने के लिए कभी वो रिपेयर कर रहे हैं कहीं से ठुकाई पिटाई कर रहे हैं कभी वो उसको को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं सीधा रखने की कोशिश में लगे पड़े हैं कहीं वो पंप कर रहे हैं पंपिंग कर रहे हैं निकाल रहे हैं सारा पानी फेंक रहे हैं बाहर ठीक है वो पूरी रात लगे रहे और हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल्स पे भी संपर्क करते रहे आफ्टर चेकिंग द चार्ट नरेटर याइस दट डास्ट वॉज इ फ्रेंच साइंटिफिक बेस ऑन

Finally, they reached the Amsterdam and were greeted by the 28 inhabitants of the volcanic island. Finally, वो उसके बच्चों के भी चोट लग गई थी, लड़की का गुम्मा पड़ गया था, बेटे के भी चोट लगी हुई थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। वो जो बंदा था Gordon Cook, he was fighting for their children, he was fighting for his life, he was fighting for their family and crew. It's family and crew. <laughs> <laughs> वो लगे हुए थे वो हिम्मत नहीं हार रहे थे जैसे हम लगे हुए हम हिम्मत नहीं हार रहे ना लगे हुए हैं ना बिल्कुल लगे हुए हिम्मत के साथ तो वो भी फाइट कर रहे थे हिम्मत नहीं हार रहे थे तो कंक्लूजन क्या है वी कैन से दैट द सेलर्स कलेक्टेड स्ट्रेंथ एंड नेवर बॉम्बिंग सर्टेनली अलाउड देम टू सर्वाइव एंड इमर्ज फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ तो हमें भी इसमें ये दिखा कि जो सेलर्स थे जो यात्रा करने वाले थे उनका जो कलेक्टिव एफर्ट था और जो उनकी हिम्मत थी वो डिस्करेज नहीं हुए ना इतनी ज्यादा मुश्किलों में भी इसी वजह से वो जो मौत का जबड़ा था फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ उससे वो निकल के आ गए अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते दोस्तों जल्दी से आओ <coughs> बहुत अच्छा लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप केस वो पूछने जा रहा है कि शिप लिख दिया या ठीक ठीक है 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 शिप है ना ओके okay. तो वो कहना चाह रहा है उसने क्या क्या स्टेप्स लिए तो भाई उसने पूरी रात काम किया रेडियो सिग्नल भेजे और उसने पंपिंग का भी इस्तेमाल किया स्टेरिंग इस का भी काम करने की कोशिश करी सारे क्रू लगा रहा तो ये इसके अंदर आंसर होगा इसका डिस्क्राइब द द मेंटल कंडीशन ऑफ ऑन एंड फिफ्थ जनवरी उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी कि वो हारे हुए नहीं थे वो इंजर्ड थे बट उनका जो हौसला था वो नहीं मरा था डिस्क्राइब द द्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द थ्री सेक्शन ऑफ द टेक्स गिव अस टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे <laughs> ये अच्छा क्वेश्चन है वोट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द द रिएक्शन ऑफ एंड द चिल्ड्रन फेस्ड आपने क्या क्या फर्क महसूस किया बच्चों में और जो उनके माँ बाप थे जो बड़े लोग थे उनके एटीट्यूड में चिल्ड्रन में जब वो उन, उनके चोट आई तो फिर हमने ये देखा कि भाई वो देवर फाइटिंग फॉर दे लाइफ उनका ये था किसी तरह के कि अभी बच्चों की चोट आई हुई है लेकिन अभी ये चोट इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं है अभी किसी तरह सर्वाइवल हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे थोड़ा सा तो घबराया था चोट लग गई थी उनके सर पर घूमना पड़ गया था हमारे यहाँ चोट आई है लेकिन बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई थी वो अपने पिता को कह रहे थे कि यू आर द बेस्ट कैप्टन एक बार को बड़े लोग थोड़ा सा डिस्करेज हो रहे थे लेकिन गॉर्डन को उसका बेटा या बेटी क्या क्या बोल रहे थे वो ये तो बोल रहे थे कि सर यू आर द बेस्ट कैप्टन यू आर द बेस्ट सेलर यू आर द बेस्ट कैप्टन यू आर द बेस्ट फादर ये वाली बात बोल रहे थे ना सो so, बच्चे भी बहुत ज्यादा डिटर्मिन थे इवन बड़ों से ज्यादा डिटर्मिन बच्चे थे।, थे ठीक है हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमिज्म जो होता है जो कितने बड़ा स्ट्रेस हो कितनी बड़ी परेशानी हो उससे निकलने में ऑप्टिमिज्म हेल्प करता है तो ऑप्टिमिज्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म मींस that you think positive you feel positive and positivity leads to you uh, leads you to the success and success can be achieved if you are optimistic so optimism uh, is a wonderful tool to conquer anything in your life so if you want to do something in your life whether it is your career whether it is your life whether it is your family whatever it is okay whatever problems you are having in your life so you can you can conquer you can get rid of ev ev everything or anything if you have that optimism okay so optimism uh, has a big role to play in our lives so this is a very good question and the answer is very simple you can write on your own you can write whatever words you like you can be uh, you can be very impressive while writing this answer because for question okay so go ahead humby optimism que the portrait of lady Pedosto. हिम्मत नहीं हार रहे ठीक है आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ फॉर यर काइंड इन्फॉर्मेशन बट जस्ट फॉर यू गाइन्स आप लोग के लिए आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट गिविंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन जस्ट मेकिंग यू फील ईजी विद दीज आई वुड से दीज चैप्टर्स एंड दीज क्वेश्चन सो दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो सो थैंक्स फॉर यर लाइफ थैंक्स फॉर योर कॉमेंट्स ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उम्मीद करता हूं ये वाले चैप्टर में आप लोगों को डाउट नहीं है क्लास टेंथ के लिए कमेंट्स आ रहे हैं क्लास टेंथ वाला अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है आपके चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कराए हुए हैं ग्रामर सेक्शन भी है राइटिंग सेक्शन भी है तो आप चैप्टर नेम टॉपिक नेम बाय डियर सर ऐसे लिख के सर्च करो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो अपडेट हो गए होंगे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बहुत अच्छा है इसका तो मैंने चैप्टर भी करा रखा है दोस्तों पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना डायरेक्ट चले जाओ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप ना पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लिए काम करो आप यहाँ इधर जाओ हमारे यहाँ आ जाओ डियर सर चैनल पे और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मिल जाएगा ये ऐसे था ना ये यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी तो इस चैप्टर को हम यहाँ स्किप कर सकते हैं आप यहाँ इस वीडियो को देख लेना डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाई डियर सर ये रहा ये रहा मैंने चार महीने पहले आपके लिए बना दिया था इसमें क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं सारी चीज़ें हैं सो so, आप लोग ये वीडियो देख लेना इसके लिए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये ना ये चैप्टर मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर करा रखा है सो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को हम स्किप कर दें क्या आप लोग इससे कर लोगे प्लीज लेट मी नो प्लीज लेट मी नो प्लस टू क्लास ट्वेल्थ वालों आप लोगों के लिए भी लाइव सेशन स्टार्ट होगा एक दो दिन में सो so, डोंट वरी अबाउट इट तब तक रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन की जो मैंने आपके लिए वीडियोज बना रखी है वो देखिए क्लास ट्वेल्थ के लिए पोएम की वीडियो बनी हुई है प्ले में भी डली हुई है यूट्यूब पे पोएम नेम बाई डेयर से लिख के भी सर्च करके मिल जाएगा ठीक है चलो यस yes, सर इसमें से कर लोगे ना ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का से बना रखा है कर लोगे ना इसमें से कर लेना छोड़ना मत सिंपल सा चैप्टर है आगे बढ़ जाऊं क्या किंग टूट्स पे आगे बढ़ जाऊं क्लास टेंथ वाले बार बार एक ही बात बुलवा रहे हो यार मेरे प्यारे बच्चों एक ही बात बार बार मत बुलवाओ ना प्लीज पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की कहानी बड़ी अच्छी सी कहानी ग्रैंड मदर की कहानी है कि कैसे ग्रैंड मदर और पोते का क्या रिश्ता होता है और कैसे वो उनसे दूर होता चला जाता है बाद में उनकी डेथ हो जाती है तो फिर कैसे उनके घर में जो पहले पंछी आया करते थे पक्षी आया करते थे फिर नहीं आते फिर उसकी मम्मा उनको खाने के लिए देती है और पूरा एक एंड ऑफ द जर्नी ऑफ ऑफ एन ओल्ड लेडी उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया कि एक ओल्ड लेडी जो अकेली महिला बचती है घर में बूढ़ी हो जाती है जिसका पति नहीं रहता वो पोतों के साथ उसका लाड दुलार होता है वो खत्म हो जाता है फिर क्या होता है उसकी लाइफ के अंदर उसके पोते जब बच्चे होते छोटे तब तो उससे बड़े कनेक्टेड होते हैं उनको रिलीजियस बातें सिखाती है अच्छे संस्कार देती है अपने साथ लेके जाती है लेकिन जब बड़े हो जाते हैं शहर में चले जाते हैं भाई शहर में जाने के बाद सब अपना अपना माहौल बदल लेते हैं कल्चर बदल जाता है बच्चे भी थोड़ा कटने लगते हैं वो भी बूढ़ी दादी की तरफ फिर इतना ध्यान नहीं देते बूढ़ी दादी का सिर्फ एक ही काम रहता है कि वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही होती है हाथ में माला जब और कुछ नहीं बचता तो ये मुझे तो कहीं ना कहीं एक सटायर लगता है ये चैप्टर ये चैप्टर हमें एक आईना दिखाता है कि हमारे घरों के अंदर इंडियंस के अंदर इंडियन कल्चर के अंदर बूढ़े लोग खुद मान लेते हैं खुशवंत सिंह की दादी की कहानी है कि बूढ़े लोग खुद मान लेते हैं कि अब हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है वो भी हाथ में माला लेके शुरू हो जाते हैं और जो घर के छोटे होते हैं उनके बच्चे होते हैं पोते होते हैं वो भी उनको ये टैग दे देते हैं अब तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा नहीं है अब तो बस तुम अपनी मौत का इंतजार करो और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं इसके बिल्कुल आई जस्ट अपोज दीज थिंग्स ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बूढ़े लोगों को भी होना चाहिए कि जब तक जिंदा है अपना जिंदा एंजॉय करेंगे यार दिल जिंदा होना चाहिए उम्र बढ़ती जाए दिमाग हमारा हमारा दिल हमारा हमेशा बच्चों जैसा रहना चाहिए सो तो अपनी लाइफ को जीना चाहिए यार ठीक है मैं कभी भी बुढ़्ढा हो हूँ देखो मैं इतना बुढ़ा हो गया मैं आज भी ना अपनी लाइफ को एन्जॉय करता हूँ लुक एट मी चलो जी आगे बढ़े डिस्कवरिंग ये बड़ा अच्छा है द मम्मी मूवी किस किसने देखी है कमेंट करके बताना द मम्मू मम्मी मूवी किसने देखी है द मम्मी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कमेंट वो जो लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ऑफिशियल डियर सर के नाम से ऑफिशियल डियर सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अच्छा ठीक है तो वहां पर इनकी पीडीएफ सबकी मिल जाएंगी सो डोंट वरी अबाउट इट अभी hmm. किंग टूटकी मम्मी मूवी किसने देखी है द मम्मी हमारे टाइम पे बहुत आती थी मुझे तो रात को देखते हुए डर लगता था वो मूवी द मम्मी मूवी किस किसने देखी है जल्दी बताओ कमेंट करके जल्दी बताओ द मम्मी मूवी किसने देखी है हैज सीन द मम्मी मूवी जिसने मम्मी मूवी देखी होगी ना अब आके मुझे लग रहा है कि मेरा गला आग, साथ छोड़ने की तैयारी में चलो लेकिन रुक जब तक रुकेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं फोड़ के आएंगे उसको ठीक है तो भाई द मूवी मूवी की ही कहानी है द डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस बहुत अच्छी कहानी है क्या हुआ था मम्मी जो इजिप्ट है ना इजिप्ट एक दुनिया का देश है ध्यान से सुनो इस कहानी को बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को भूल जाओ सिंपल द स्टोरी एक ना इजिप्ट है इजिप्ट एक जगह का नाम है मिस्र जिसे हिंदी में बोलते हैं एक कंट्री है इजिप्ट जिसकी कैपिटल है कायरो जिसे काहिरा भी बोलते हैं कायरो ठीक है फॉर एंड इंफॉर्मेशन छोड़ो यार वरना कुछ बताने वाला था छोड़ो चलो <laughs> चलो नहीं मतलब मेरी भाभी इजिप्ट से है इसलिए बता रहा था चलो आगे बढ़ते हैं तो काहिरा काहिरा नाम की जगह है जो तरीके से तो मुझे ना किसी और को यहाँ पे बुलाना चाहिए था इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ओके लेट इट बी डिस्कवरिंग द सागर दागर्टिंग इजिप्ट एक जगह का नाम है एक जगह का नाम है इजिप्ट और एक कंट्री का नाम है और वहां पे ना कल्चर किसका रहा था फिरॉन का कल्चर था फेरो जिसे बोलते थे फिर मम्मिया का कल्चर था मम्मी क्या होती थी जहां जब वहां का कोई राजा या जो बड़ा राजशाही खानदान का होता था ना वो मर जाता था ना तो क्या करते थे उसको ऐसे ही नहीं दफनाते थे उसके ऊपर मलहम लगाते थे उस पर और मसाले छिड़कते थे नहीं तलते नहीं थे तलते नहीं थे उस पर पट्टियां बांधते थे ऐसे पट्टियां बांध के वो पट्टियां ऐसी होती थी जो उसको डिकम्पोज नहीं होने देती थी जो बॉडी होती थी उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देती थी वो उसको काफ़ी टाइम तक ऐसे सिक्योर रख सकते थे उस बॉडी की बॉडी सड़ती नहीं थी और उसको ऐसे से बांध के ना ऐसे बांध के पट्टियों में एक ताबूत में रख के ताबूत के साथ साथ उसे बंद करके उसमें जो ज़रूरत के सामान होते थे पेंटिंग्स हो गई वॉल पेंटिंग्स हो गए जेवर हो गए आभूषण हो गए लाखों करोड़ों अरबों रुपए के वो सारा सोना जेवर हीरे मोती सब लगा देते थे और उसको बंद कर देते थे मम्मी को ऐसे करते थे वहां का राजा जब मर जाता था तो वो साबुत निकलते थे मतलब साबुत ऐसा नहीं किया वो सड़ता ही नहीं था कभी लेकिन फिर भी उनकी बॉडी फिर भी प्रिजर्व हो जाती थी इस तरह से वो प्रिजर्व करते थे वो ऐसा क्यों करते थे वो राजाओं की बॉडी मम्मी क्यों बनाते थे तो सुनो मम्मी इसलिए बनाते थे बिकॉज उनका बिलीफ था कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है और वो लोग ना जिंदा होंगे वहां पर वो साथ में उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उनको वो इसलिए ऐसा करते थे चलो हंसे तो सही तुम लोग हंसते हुए अच्छे लगते हो ऐसे स्माइल करा करो वेरी गुड सुहानी इजिप्ट ठीक है, वेरी गुड सुहानी बच्चे ऐसे हसो ठीक है तो वो डिस्कवरिंग टूटा भी है? एक तूतन खामन करके एक वहां का राजा था तूतन खामन वहां का फिरौन का फिरौन बोलते थे वहां के राजा को तूतन खामन नाम था उसका क्या नाम था तूतन खामन अब वहां तूतन खामन की जो मम्मी निकली तो वहां के जो आर्कोलॉजिकल होते थे आर्कोलॉजी समझते हो ना जो जो पुरानी मिट्टियाँ खोद के गड्ढे खोद के उनमें से निकाल के देखते हैं कि भाई ये कौन सी इमारत कब की थी कब कब पौधा था कब का पेड़ था वो सारी चीज़ों की जो वो करते जांच करते हैं इंडिया में ए एस आई ये काम करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं जो पुरानी एंशियट चीज़ों पर स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट ठीक है अब वो क्या करते थे तूतन तो तूतन खामिन की जब मम्मी निकली ना तो तूतन खामिन की मम्मी को उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या कितने साल पुरानी मम्मी है इसका मर्डर कैसे हुआ होगा इस बंदे का ये जो राजा था कब मरा होगा कैसा था वो सारी चीजें उसमें ऑब्जर्व करते हैं वही कहानी है डिस्कवरिंग टूट मतलब डिस्कवरिंग तूतन खामिन तूतन खामिन जो था उसको डिस्कवर कर रहे हैं ना दस सच बता रहा चैप्टर पढ़ा रहे मुझे द मम्मी मूवी याद आ रही है जिसके अंदर उसको शराब देते थे वो वहां का एक उनका वो होता था Uh, उनका पंडित पादरी जो बोलते हैं ना वो होता था वो वहाँ पे कुछ उनके साथ धोखा दे देता दे था ना कहानी मम्मी की यही तो है तो उसको ऐसा शराब देते थे, थे कि उसको ना कीड़े मार के मारते थे वो बड़ा भयानक सा होता था भाई हमारा ना नाइटमेयर होता था बचपन में बचपन में वो मूवी देख के बड़ा डर लगता था वही कहानी मुझे याद आ रही है अभी चलो देखते हैं दि स्टोरी रिवॉल्व अराउंडीरियस लाइफ एंड डेथ ऑफ तूतन खामन ये एक स्टोरी है जो इर्द गिर्द घूमती है मिस्टीरियस लाइफ जो रहस्यमयी लाइफ है किसकी तूतन खामन की और उसकी मौत की क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उसको मर्डर किया गया कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 वो अपनी मौत मरा है। कुछ कहते हैं कि वो तीस साल में कुछ कहता हैं अठारह मरा कुछ कहता हैं, हैं बारह मरा वो है द दंगेस्ट रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट जो सबसे कम उम्र का रूलर था राजा था इजिप्ट का द डिस्कवरी ऑफ इस ट्वेंटी टू बाय द रिनाउंड आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर लेड टू वेरियस इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग एक्सरेज एंड सी टी स्कैन विच हैव शेड लाइट ऑन हिज लाइफ एंड डेथ ये कहानी ये चैप्टर है ना ये डिस्कवरी ही है ये डिस्कवरी है कार्टर साहब की हार्वर्ड कार्टर जो है हमारे हार्वर्ड कार्टर जो है जो आर्कोलॉजिस्ट है बहुत ही मशहूर उन्होंने 1922 में आज से 100 साल पहले 101 साल पहले हार्वर्ड कार्टर थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी किंग टूट जो था तूतन खामिन की जो मम्मी निकाली उसमें स्कैन किया एक्सरे किए उसके बाद उन्होंने उसकी लाइफ के बारे में क्या क्या बातें करी थी वो सारी चीजें इसके ऊपर प्रकाश डालता ये चैप्टर समझ में आया

कम उम्र का और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था बहुत मशहूर था बहुत काबिल था हिज वेल प्रिजर्व बॉडी वॉज दी फर्स्ट टू बी स्कैंड उसकी जो अच्छे से प्रिजर्व की गई मैंने बताया मम्मी बनाया जाता है प्रिजर्व बॉडी यानी उसकी मम्मी जो थी वो ऑब्जर्व की गई थी पहली बार स्कैन हुई थी ठीक है ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट ये ब्रिटिश के थे हमारे हार्वर्ड कार्टर वाले अब इनको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है की पॉइंट है की वर्ड है कि इनका नाम क्या है हार्वर्ड कार्टर और ये है कहां के ब्रिटिश के हैं तो याद कैसे रखोगे ऐसे याद रखोगे कि ब्रिटेन के अंदर ही क्या है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना भाई ऐसे याद रख लेना

जो पुरानी चीज़ों से ना उन्हें जितना ना उतना नुकसान होता है क्योंकि वो बड़ी डेलिकेट हो जाती है बड़ी नाजुक हो जाती है तो उन्हें छूने से वो खराब होती हैं वही उसके साथ हुआ तो डॉक्टर हार्वर्ड कार्टर जो थे उन्होंने वो थे ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे 1922 में ही डिस्कवर्ड द किंग टूट्स मम्मी बट ही ऑल्सो कॉज्ड हार्म टू द मम्मी गॉट इट और नॉट आई होप यू गॉट इट उप अल्ले कहा चली गई ये रही टलो 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 आगे बढ़ते हैं चलो आई गया था जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ कंडक्टेड अ कंडक्टेडी स्कैन ऑन किंग टू फॉर अ मोर प्रिंसिक रिकंस्ट्रक्शन जाही हवास वहां के भी एक आर्कोलॉजिस्ट थे जनरल थे वो सॉरी इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के के वो भी इस तरह के बंदे थे आर्कोलॉजिस्ट टाइप के थे वो भी उन्होंने सिटी स्कैन किया किसका किंग टूट्स की मम्मी का टूतन <laughs> 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 कामस फादर और ग्रैंडफादर फादर एम एन होते थर्ड was a हाईली influential रूलर who गवर्न फॉर nearly फोर डिकेट्स ये जो ततन खामन के बाप या फिर माना जाता है उसके दादा थे एम एन होटे थर्ड थे उनका नाम था वो काफी इन्फ्लुएंशियल रूलर थे उनका काफी नाम था मशहूर था ऐसे मान लो जैसे इंडिया का अकबर एम एन होटेफ फोर कौन थे वो चेंज इज ने स्पार्क्रोवर्सी इन द कंट्री बाय एडवोकेटिंग दर्शिप ऑफ एथन एंड अटैकिंग द मेजर गॉड अमन अपनी ही पूजा करवाते थे वही इजिप्ट के अंदर भी था तो अब यहाँ पे एक थर्ड थे फिर फोर्थ 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 ने क्या किया उन्होंने अपना नाम बदल के अहन रख लिया और उनके उसकी उनके ही राज में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्यों क्योंकि उन्होंने एतन और, एतन उसकी एडवोकेट किया कि भाई इनकी वर्शिप होगी अब से एटन की ठीक है एतन की ये भी गॉड ही थे कोई एंड अटैकिंग द मेजर गॉड अमुन और अमुन को जिसको लोग पूजा करते थे उसकी जो वो भी राजा रहा होगा उनका अमुन उसकी पूजा को मना करवा दिया उसके मंदिरों को तोड़ दिया और उसकी जो मूर्तियां थी उसको भी फोड़ दिया द मिस्टीरियस डेथ ऑफ तूतन खामन द लास्ट रूलर ऑफ द फेरोज लॉन्ग बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट जो डेथ है ना मिस्टीरियस डूतन खाविन की मिस्टीरियस डेथ मा जाती है लोग कहते हैं मर्डर हुआ था उसको ऐसे ही नहीं माना था वो तो वो जो फेरो डायनेस्टी का था हमने ये पढ़ ही लिया है हैज लॉन्ग अ टॉपिक ये बहुत ही हिस्टोरियन के बीच में ना बड़ा एक बहस का मुद्दा रहा है उसकी उसकी डेथ इन 1922 द यंग रूलर्स टूम वाज अनकवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर कार्टर एंड ओवर एटी इयर्स लेटर अ अटी स्कैन वाज कंडक्टेड टू शेड लाइट ऑन द इवेंट्स सराउंडिंग हिज लाइफ एंड डेथ थ्रू अ असिक रिकंस्ट्रक्शन ठीक है फिर वो स्कैन हुआ था ये बात हमने पढ़ ली भाई पहले ही तूतन फादर और ग्रैंडफादर फादर एमेट तो थर्ड वॉज हाईली इन्फ्लुशियल रूलर ये वाली बात भी हमने पढ़ ली है आगे बढ़ते हैं डबल डबल हो गया क्या डबल डबल हो गया ये इसको हम रब कर देते हैं आगे बढ़ते हैं चलो तूतन खामन बिकेम रूलर आफ्टर अ शॉर्ट लिव रीन बाय अनदर मिस्टीरियस रूलर एंड रूल फॉर नाइन ईयर्स ठीक है

जिसको वो ढूंढना चाह रहे थे जिसकी तलाश में थे कौन जो हार्वर्ड थे लेकिन जो उनको नहीं मिली थी और बहुत सारी आइटम्स ऐसी थी जो ऑलरेडी वहां से मिसप्लेस हो चुकी थी तुथन खामन स्टूम वॉज डिस्कवर्ड ब्रीड ट्वेंटी ग्राउंड छब्बीस फीट नीचे उन्होंने दफनाया गया था तुथन खामन का जो मम्मी थी अब सोचो छब्बीस फीट नीचे कितना हो गया भाई बोरा अदर ट्रेजर्स उन्हें लगा था कि चोर वोर उसका सारा खजाना लेकर लुट के चले जाएंगे फर्स्ट रिमूव द द हेड ऑफ मम्मी एंड देन सिस्टमेटिकली कट ईच जॉइंट और फिर उसकी एक एक बॉडी को कट कर रखा गया बॉडी पार्ट्स वर प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ सेंड इन वुडन बॉक्स एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लोकेशन और बाद में जब उन्होंने अपना सारा काम कर लिया स्कैनिंग वगैरह कर ली उसके बाद हाँ जी नेटवर्क एम आई ऑडिबल ना हो अब ठीक है एम आई विजिबल एम आई विजिबल ना हो ठीक है क्या उधर बिटरेट आ रहा है क्या देखना बिटरेट का ऑप्शन है क्या करंट बिटरेट थोड़ा लो कर देना अगर ऑप्शन आ रहा हो तो लाइव तो नहीं जा रहा ना मैं थोड़ा डिले हो रहा है ना लैग है ना अभी तो अभी तो लैग ओके कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं थोड़ा डिले जाएगा बट आई थिंक चल जाएगा ओके एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल आप जल्दी से मुझे बता दे एम आई ऑडिबल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जनवरी 2009 में क्या हुआ द मम्मी वॉज टेकन फॉर स्कैन को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, मल्टीपल थ्री डी इमेज निकालने के लिए बाद में में बॉडी को टूम में ही डाल दिया गया ठीक है जी हाउ एवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग द बॉडी to the trailer holding the scanner the device suddenly stopped working the scan was eventually completed after a pair of spare fans were used and the body was returned to its tomb where it now rests peacefully mm -hmm. जब स्कैन कर रहे थे तो अपना कुछ ऐसे एक्युप, जो इक्विपमेंट थे वो काम करना बंद हो गए थे बाद में कुछ फैंस की सहायता से वो काम किया गया स्कैन कर लिया गया उसके बाद बॉडी को वापस वहीं पर रख दिया गया जहां से वो उठाई गई थी to summarize the discovering tour the saga continues narrative highlights the life and legacy of tutankhamun

डेथ आफ्टर डेथ उनकी लाइफ का एक कॉन्सेप्ट था जो वो विश्वास करते थे इसलिए वो प्रिजर्व की जाती थी ठीक like है व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर लाइक व्हेन किंग वाज टेकन फॉर सिटी स्किन क्या एटमॉस्फेयर था ये बताना है व्हाई डिड कार्टर बिकम अनपॉपुलर अमंग द इजिप्शियस कार्टर बिकम अनपॉपुलर क्यों हो गया था क्योंकि उसने उसको बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था मम्मी को लिस्ट द डीड्स दैट लीड रे ऑल्सो टू डिस्क्राइब अखरतन एज वैक अखरतन क्योंकि उसने पुराने जो गॉड्स हैं उनको पूजा करना छोड़वा दिया था मंदिर तोड़वा दिए थे ये सब काम कर दिया था इस वजह से तो दोस्तों ये यहां पे आपके चैप्टर्स पूरे कंप्लीट होते हैं फाइनली बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी कि आपने हॉर्नबिल खत्म कर ली है हॉर्नबिल का एक जिसको बिल्कुल कुछ नहीं जिसने पढ़ रखा था कम से कम ये आइडिया हो गया कि हॉर्नबिल में क्या चैप्टर है उनकी क्या स्टोरी है कुछ नहीं सही आप ही कुछ तो लिख के आओगे और आपके डाउट जो भी डाउट आओ मैं इंस्टाग्राम पूछ सकते हो सर सर्च करना कमेंट uh, में पूछ सकते हो टेलीग्राम में पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे और बिल्कुल घबराओ मत अगला स्नैपशॉट का लाइव करेंगे लेवंथ के लिए भी और टेंथ और ट्वेल्थ ट्वेल्थ वालों आप लोगों के लिए भी लाइव शुरू हो जाएंगे ऑलरेडी जो कॉन्टेंट आपके लिए हमने बना रखा है प्ले में जाके चेक करो आपको वीडियोज मिल जाएंगे सो प्रपोजल चैप्टर का आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा डोंट वरी अबाउट इट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स 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 बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू आपने मेरे लाइफ में साथ बनाए रखा मेरी मेहनत को आपने पसंद किया तो उम्मीद करता हूं ये लाइव सेशन आप अभी मेरे साथ जितना भी आपने देखा आपको उससे बड़ा भरपूर फायदा हुआ होगा वीडियो को लाइक करके जरूर जाना शेयर करना अपने साथियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ